नहीं, ये गला वो हुआ मैं ना, तो टर्मरिक और जिंजर तो कुछ अच्छा ट्रेडर जो उसके पास था वो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. अगेन आज हम लोग का एक वर्कशॉप है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने रमदान पे वर्कशॉप किया था, आज हमारा फिर वन डे का वर्कशॉप है। तो CIU कैलिफोर्निया इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ, मरहबा खुश आमदीद। और चलें ज़का का वर्कशॉप, जिसको हम उर्दू में ज़क़ात कहते हैं, अरबिक में उसको ज़का कहते हैं, तो ज़क़ात के वर्कशॉप को हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ज़का क्या चीज़ है? सबसे पहले आप सबको मालूम ही है ज़कात क्या चीज़ है, क्योंकि सालों साल से ज़कात देते हुए आ रहे हैं। तो ये जो हम कहते हैं हर दफ़ा के इस्लाम के पांच पिलर्स हैं, पांच अरकान हैं, पांच सुतून हैं, उसमें से एक ज़कात है। यानी ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं फ़र्ज़, अरबिक में फ़र्ज़ कहते हैं। तो ये ज़कात एक फ़र्ज़ इबादत है, इबादत है और फ़र्ज़ है। जिस तरह हम नमाज़ को समझते हैं, इसी तरह ज़कात को भी समझना है। नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब फ़र्ज़ इबादत में से हैं। ज़कात एक स्पेशल टाइप की इबादत है, जिसमें जो मुसलमान अमीर हैं, जो मुसलमान वेल ऑफ हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत अमीर हों, उस कैटेगरी में आते हों कि ये मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, लेकिन वो अमीर हैं, वेल ऑफ हैं, समझ लें खुशहाल हैं दूसरों की निस्बत, तो वो हर साल ज़कात अपने माल में से दें किसको? जो डिज़र्विंग हैं, जो मुस्तहकीन हैं, जो पुअर हैं, जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, उनकी निस्बत ज़ाहिर है, तो उनको देना है। ज़कात जो है उसको आप किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि हमने उनको गिफ्ट दे दिया तो ये हमारी ज़कात काउंट हो गई, बाज़ लोग कहते हैं कि हमने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, ये ज़कात हो गई, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम अपने रोज़े का फ़िदिया दे दें तो वो ज़कात हो गई। नहीं, जो चीज़ ज़कात है वो ज़कात के ही अंडर आएगी। ज़कात की कैटेगरी टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, ना गिफ्ट है, ना टैक्स है, ना किसी और चीज़ का फ़िदिया है, ना कफ़ारा है। अब ज़कात के लुग़वी मानी क्या हैं? ज़कात के लुग़वी माने, यानी अगर आप डिक्शनरी में जा के देखें तो उसमें बहुत सारे मीनिंग्स नज़र आएंगे, लेकिन बेसिकली उसके दो मीनिंग हैं। दो मीनिंग क्या हैं? एक का मतलब है पाकिजगी, प्योरीफाई करना। ज़कात का मतलब है प्योरीफाई करना। आपको याद है हमने कोर्स किया था प्योरीफिकेशन ऑफ द सोल, उसमें हम क्या कहते थे कि ज़कात तज़किया क्या चीज़ है? तज़किया का मतलब है अपने आप को पाक कर लेना, अपने आप को साफ़ कर लेना, अपने आप की पाकीज़गी कर लेना गुनाहों से। इस तरह क्या है, चूँकि ये ज़कात के ज़िम्न में मैं बोल रही हूँ, तो ज़कात में प्योरीफिकेशन क्या होगी? आपका माल पाकीज़ा हो जाए, आपका माल प्योर हो जाए। और ज़कात का एक और मानी है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, उसका मतलब ये इजाफा होना, इंक्रीज़ होना। तो लास्ट टाइम चूंकि हम प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल कर रहे थे, उसमें मैंने आपको कहा हमारा तकवा उससे इंक्रीज़ होता है, हम अपने सोल को पाक करते हैं और हमारा तकवा इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, तकवा भी इंक्रीज़ होता है और साथ साथ माल में भी इजाफा होता है। अब माल में इजाफा किस तरह होता है, मैं आगे उस पर थोड़ा सा आपको और बताऊँगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ज़कात को कितनी इम्पोर्टेंस दी है, यह हमें किससे पता चलता है कि ज़कात का जो मेंशन है, ज़िक्र जो है कुरान करीम में 82 टाइम्स है, 82 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान में ज़कात का लफ्ज़ यूज़ किया है कि आप ज़कात दें, ज़कात दें। और 32 टाइम्स उनमें से ज़कात के साथ नमाज भी है। जितना हम नमाज को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही हमें ज़कात को भी इम्पोर्टेंस देना है। ज़कात तो, नमाज तो हम एवरी डे पढ़ते हैं, एवरी डे 5 दफ़ा पढ़ते हैं, ले और इसी तरह रोज़े हैं, रोज़े हम साल में एक दफ़ा रखते हैं लेकिन पूरा महीना रखते हैं। ज़कात भी साल में एक दफ़ा देने का है, लेकिन इम्पोर्टेंस उतनी ही है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे वार्निंग्स दिए हमें, बहुत दफ़ा तनबीह किया कुरान में, कई जगहों पे किए। मैं सबको नहीं दोहराऊंगी क्योंकि हमारी क्लास छोटी है, 1.5 घंटे की क्लास है, इसमें हमने फ़िक की तमाम मसाइल, जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि हम बहुत ज़्यादा उसकी ब्लेसिंग्स में, बरकात में, तफासीर में, आयात में नहीं, अगर मैं 82 आयात ज़कात की अभी आपको एक्सप्लेन करने जाऊं
तो 8 क्लासें तो लग जाएंगी, कम से कम 4 क्लासें लग जाएंगी। तो एक क्लास में हमें 1.5 घंटे में जितना ख़त्म हो सके वो करना है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल कुरान से लिया है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस माल से ज़कात अदा ना की जाए वो माल क़ियामत के दिन अपने मालिक के गले में तौक बनाकर डाला जाएगा। तौक मतलब जंजीर की तरह, वो डाल के आप जिसने ज़कात नहीं दी उसके गले में तौक बना के डाला जाएगा, वही माल आपके गले में आ जाएगा जिसको आप पे नहीं करेंगे। यहाँ जमा करके रखेंगे, वहाँ वो आपके गले में आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई अहदीस कही हैं ज़कात के बारे में। उसमें एक हदीस जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है, मैं वही आपको सुनाती हूँ, बहुत सारी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात ना अदा की तो क़यामत के दिन उसका माल ऐसे गंजे सांप की शक्ल बनकर जिसकी आँखों पर 2 नुक्ते यानी 2 दाग होंगे, उसके गले का तौक बन जाएगा और फिर इसकी दोनों बाछें पकड़ कर कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। अब दोनों चीज़ें इमेजिन कर लें कि आप जहन्नम में हैं और आपके एक तौक है, एक जंजीर है। दूसरा आप ये इमेजिन करें कि एक सांप आके आपके मुंह पे आपको पकड़ के कह रहा है कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। इज़ इट वर्थ कि हम अपनी ज़कात को यहाँ पर बचाएँ? इज़ इट वर्थ? तो ज़कात देने के कुछ बेनिफिट्स, बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 ये है कि हम अल्लाह की अताअत कर रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अल्लाह हमसे राज़ी होगा। सो अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इससे बढ़ के और हमें क्या चाहिए? हम ज़कात देंगे, हमारे पैसे यहाँ पर लगता है थोड़े से कम हो जाएंगे, हमें नज़र आ रहा है कि ओहो इसकी ज़कात देनी पड़ेगी, लेकिन क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो रहा है। छोटी सी कुर्बानी है, पूरे साल में एक दफ़ा छोटी सी कुर्बानी है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। नंबर 2 क्या है कि जब हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं और ये एक फ़र्ज़ इबादत है, जिस तरह मैंने बताया, आप फ़र्ज़ इबादत को छोड़ेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, फ़र्ज़ इबादत को करेंगे तो गुनाह माफ़ होंगे। तो वेरी क्लियर, ज़कात देंगे आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था कि वो आपके माल को पाकीज़ा कर देता है और आपके माल में बरकत डाल देता है, माल में इजाफ़ा हो जाता है। इजाफ़ा मैं आपको सेकंड पॉइंट बताती हूँ, पहले सिर्फ यही समझ लें कि आपका जो माल है वो पाकीज़ा हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग गलत मतलब ले लेते हैं। वो कहते हैं कि हम, मतलब वो जाते हैं हराम मीन से कमाते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई लॉटरी देता है, कोई गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, वेगस जाता है, सब कुछ करते हैं, हराम माल कमा लेते हैं, दुकानों में भी बिजनेस में भी झूठ बोल के सच बोल के हराम माल कमा लेते हैं, और उसके बाद जब उनसे पूछा जाए कि भाई ये तो हराम इनकम है, तो वो कहते हैं हम इसकी ज़कात देते हैं। आपको लगता है कि हराम इनकम आप कमाएं और उसमें से आप ज़कात दे दें तो आपका पूरा हराम माल जो है वो पाक हो जाएगा? क्या आपको, आपकी अक्ल ये बात मानती है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अब ये उनकी अकल की कमी है या अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि भाई हम तो हराम है लेकिन हम ज़कात देते हैं। दे नो इट्स हराम। अगर उन्हें मालूम ही नहीं है कि हराम है तो डिफरेंट बात है। दे नो इट्स हराम लेकिन सामने से कहते हैं हम इसकी ज़कात दे देते हैं तो ये तो पाक हो जाता है। अल्लाह ताला खुद पाक हैं, ही इज़ प्योर एंड ही एक्सेप्ट्स ओनली प्योर। खुद पाक हैं और वो सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद जो इंक्रीज़ का मैंने कहा कि माल में इजाफ़ा होता है, उसमें बहुत बरकत हो जाती है। अब ये कि हमें नज़र नहीं आता है कि माल में इजाफ़ा हो रहा है, हम कहते हैं आप कैसे कह रही हैं कि माल में इजाफ़ा हो रहा है, मैं तो पैसे देती हूँ तो मेरे तो पैसे वो तो चले गए ना। वो जो पैसे आपके गए हैं वो कहाँ जमा हो रहे हैं? आखरत में अल्लाह के पास जमा हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वो पैसे आपके ज़ाया हो गए, वो आपके कम हो गए? आप इतना भी सोचें कि जिसके पास $1,00,000 हैं वो उसमें से कितनी ज़कात देगा? 2,500। उसके पास कितने बचेंगे? 97,500 उसके पास होंगे। क्या वो गरीब हो जाएगा? क्या उसके पैसे कम हो जाएंगे? जिसके पास 40 तोले सोना है, अगर वो 1 तोला सोने के बराबर किसी को ज़कात दे रहे हैं तो क्या उनके पास 39 तोले बहुत कम है? वो गरीब हो जाएंगे क्या? लेकिन अल्लाह के पास ज़खीरा, अल्लाह के पास जमा हो रहा है। सिर्फ वो नहीं, दुनिया में भी उसमें बरकत हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी चीज़ों में बरकत कैसे हो रही है। खाने में बरकत, हर चीज़ में, रिस्क में, हर चीज़ में, टाइम में बरकत हो जाएगी आपके, हर चीज़ में आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि उतने ही टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा काम अचीव हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ज़कात पे की। आपको पता नहीं चलेगा। और फिर आखिरत में तो ये सिर्फ उतना ही नहीं होगा। अगर आपने $2,500 दिए हैं ज़कात के, वहाँ कितने मिलेंगे आपको? कुछ अंदाज़ा है?
उसके बदले में एटलीस्ट 10 times तो मिलेंगे ही ना, एटलीस्ट 10 times तो मिलेंगे, उसके अलावा कितना हो सकता है? कुरान में क्या लिखा है? 700 times भी, 700 मरतबा भी वो मल्टीप्लाई हो सकता है। और फिर अल्लाह के, अल्लाह का दरबार है, अल्लाह की मर्जी है, 700 के बदले 7000 7 million times आपके लिए वो उसको बढ़ा दे। आप आधे खजूर की अगर आप सिर्फ खैरात सदका करते हैं तो कहते हैं पहाड़ के बराबर हो जाता है। आधा खजूर देखें और पहाड़ देखें, सुभान अल्लाह। एक और इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़कात देने से हमें थोड़ी सी जो हमें कंजूसी की आदत होती है ना, वो कंजूसी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है, या थोड़ी जो लालच होती है वो लालच हमारी वो कम कर देता है। बिकॉज हम पैसे अपने पैसे में से निकाल के देना आसान काम नहीं होता है। ज़कात जब हम देते हैं तो हमारी आदत बन जाती है कि हमने कुछ सदका खैरात ज़कात देना है, और इस वजह से हमें क्या होता है कि हमारे अंदर वो एक हिस पैदा हो जाती है कि हम अल्लाह का कॉन्स्टेंटली शुक्र अदा करें, अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बन के रहें। क्यों? क्योंकि जब हम ज़कात देते हैं हमें एहसास होता है कि हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं हैं। अल्लाह ने हमको जो दिया है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं अदा करना चाहिए? क्या पता हमारे पास नहीं होता, हम लेने वालों में से होते तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना कि हमें कोई देने वाला है। और जब हम किसी को देते हैं हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे होते। याद रखें, ये पैसा उनका है, ये माल उनका है, अगर हम नहीं देंगे तो हमारा माल ही पाक नहीं होगा, हमारी ज़कात ही अदा नहीं होगी। अगर कोई लेने वाला नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ज़कात के साथ? हम तो परेशान हो जाएंगे। तो जो लोग गरीब होते हैं उनको क्या होता है, ज़कात से उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो पूरी हो जाती हैं ज़कात की वजह से। एक गरीब इंसान है जिसको कोई, उसके पास पूरा 3 वक्त खाने को भी नहीं है, 2 वक्त खाने को भी नहीं है, और उसके पास किराया देने को भी नहीं है, उसको जब ज़कात मिलती है तो उसका गुजारा हो जाता है। और इस तरह क्या होता है, गरीबों के दिलों में जो अमीरों के लिए एक नफरत पैदा होती है ना, वो नहीं होती। उनके दिल में आता है ना कि ये तो ये कर रहे हैं। अब जैसे एक नौकर को ही ले लें, पाकिस्तान में ले लें आप, कि आपकी मासी आती है, आपका नौकर आता है, आपके जो भी हैं वो घर में आते हैं, उनके दिल में होता होगा ना, हमें फील नहीं होता है, लेकिन आप देखें, अगर आप अपने आप को उनकी शूज़ में रख के देखें, मुझे तो हमेशा यही लगता है कि ये आते होंगे, ये सोचते होंगे हम बैठे हैं ठाट से और ये हमारा काम कर रहे हैं। यहाँ भी जब मेड आती है तो मुझे ऐसे ही होता है, अगर वो कमरे में आती है और अगर मैं अपना कुछ पढ़ रही हूँ, ज़ाहिर है मेरा सारा दिन यही है, लैपटॉप पे मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये सोचेगी कि देखा मैं तो इसका झाड़ू पोछा सब कर रही हूँ, मैं इसके बाथरूम धो रही हूँ और ये आराम से बैठी हुई है। आई मीन लाइक फीलिंग एक होती है ना, तो इस तरह की जो उनके दिल में अगर कोई हसद है या कोई नफरत है गरीबों को, गरीब लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके दिल में कि देखा ये खुद तो मज़े कर रहे हैं और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो उनके दिल में वो नफरत कम हो जाएगी, वो हसद कम हो जाएगी, वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उनका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह जब हम ज़कात देते हैं तो गरीब और अमीर के दरमियान जो फ़र्क है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं रहेंगे, थोड़े से पैसे अपने दे देंगे, वो इतने गरीब नहीं रहेंगे, उनको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, हम पूरा माल तो उठा के दे नहीं रहे उनको। ज़कात तो सिर्फ 2.5% है, लेकिन इसके अलावा अगर हम सदका खैरात भी दें तो कम से कम थोड़ी उनकी हालत बेहतर हो जाए, हमारी हालत तो फिर भी ख़राब नहीं होगी, हमारी हालत ख़राब नहीं होगी। तो कितनी ज़कात देनी है वो यूजुअली ये होता है, अभी मैं नहीं बता रही हूँ कितनी ज़कात देनी है, मैं कहती हूँ जितनी ज़कात हम देते हैं यूजुअली ये हिसाब लगाया गया है कि जितनी ज़कात अगर हम पूरी पूरी ज़कात जो हम पे ड्यू है वो हम दे दें तो हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे इर्द गिर्द जो कम्यूनिटी है, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। अगर हर फैमिली अपनी ज़कात पूरी तरह अदा कर दे, अगर आप यही सोचें कि एक अमीर फैमिली के साथ एक गरीब फैमिली है, तो कम से कम जितने अमीर लोग देंगे, अगर 100 अमीर घर दें तो 100 गरीब घरों की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी ना, हो सकता है 200 की पूरी हो जाए, क्योंकि हमारी ज़रूरियात, हम लोग सो कॉल्ड वेल ऑफ लोग हैं, हमारे एक खाने का कितने पैसे बनते हैं और उनके एक खाने के कितने बनते हैं, हम जब उनको देंगे वो हमारे एक वक्त के खाने में 2 या 3 वक्त खाना खा लेंगे। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप 2 लोगों के लिए खाना पकाते हैं वो 4 लोगों के लिए पूरा हो जाता है। तो हमें यही देखना चाहिए कि इसकी कितनी बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स की वजह से हम नहीं दे रहे हैं ज़कात, हम अल्लाह की अतात, अल्लाह की फरमाबरदारी, फ़र्ज़ इबादत करके हम दे रहे हैं। मॉडर्न स्टडीज़ कुछ हुई हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उन्होंने ये कहा है कि अगर ज़कात प्रॉपरली कलेक्ट हो और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ,
तो जितनी भी पावर्टी है, जितनी भी गुर्बत है उन तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो इतनी ख़त्म हो जाएगी कि जितनी उमर इब्न ख़त्ताब और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में हो गई थी। आपको पता है ना, ये दो सुनहरी दौर थे मुसलमानों के लिए, सुनहरी दौर थे। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने में कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा, सबको ज़कातें इतनी मिली कि सब अच्छे खुशहाल हो गए, मतलब अमीर तरीन नहीं हो गए लेकिन खुशहाल, उनकी ज़रूरियात पूरी हो गई, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो गई, कम बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पूरी हो गई। फिर उमर अस्सानी जो कहते हैं उनको, यानी उमर इबन अब्दुल अज़ीज़, उनके ज़माने में फिर यही दौर आया, इसीलिए उनको उमर अस्सानी भी कहते हैं, नाम भी उनका उमर था। और ये है कि उनके ज़माने में फिर बहुत सी इस किस्म की चीज़ें, बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स हुए। ज़कात किस पे फ़र्ज़ है? ज़कात फ़र्ज़ उस पे है जिसके पास ये चीज़ें हैं, जिस तरह हमने रमज़ान के बारे में कहा था इसी तरह ज़कात के बारे में। नंबर वन, मुसलमान हो, औरत हो या मर्द हो। अक्सर औरतों के दिमाग में ये होता है ज़कात हम पे तो नहीं है, हमारे हस्बैंड्स पे है, हम पे तो ज़कात नहीं है, हमारे हस्बैंड्स पे है। ज़कात फ़र्ज़ है चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अगर औरत के पास कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं है, अगर औरत के पास कोई जेवर अपना नहीं है, औरत के पास कोई अपना अकाउंट नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, फिर वो उसके शौहर पे होगी। लेकिन अगर उसके पास अपना कुछ भी है, कोई भी माल है जो निसाब के बराबर है, तो उसको ज़कात देना फ़र्ज़ है। तो नंबर वन, मुसलमान होना, चाहे मर्द है चाहे औरत है। नंबर टू, बालिग होना, मेच्योरिटी। जब तक एक बच्चा मेच्योर नहीं हो जाता है, बालिग नहीं हो जाता है, सन्ने बुलूगत को नहीं पहुँच जाता है, जब तक उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होता, ठीक है। और बुलूगत हमने लास्ट टाइम बात की, व्हेन डू यू बिकम मैच्योर, नॉट एट 18, जिस तरह यहाँ पर है अमेरिकन सोसाइटी में कि जब तक यहाँ पर आप 18 इयर्स के हो जाते हैं, जब तक आप एडल्ट नहीं होते हैं, 18 इयर्स पे आप एडल्ट बनते हैं। मुसलमानों के लिए नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में कब आप बालिग होते हैं? जब आपको सबसे पहले वेट ड्रीम स्टार्ट हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। नंबर वन तो ये है आपकी फर्स्ट साइन कि आपको इख्तलाम हुआ। नंबर टू, अगर नहीं होता है तो लड़की है तो जब उसके पीरियड स्टार्ट हो जाए वो अब बालिग हो गई। और लड़के के लिए अगर उसको वेट ड्रीम्स नहीं हुए तो जब वो 15 इयर्स का हो गया इस्लामिकली, तो देन वो बालिग हो गया। तो जब तक वो बालिग नहीं होता उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। और नॉर्मल हालात में एक 15 साल के बच्चे के पास इतनी दौलत नहीं होती है कि वो ज़कात दे, अनलेस माँ बाप ने उनको दिया हो, अनलेस के उसके माँ बाप फौत हो गए हों और उनको विरासत में मिला, ठीक है। इनहेरिटेंस मनी उनके पास हो सकता है, लेकिन उस वक्त क्या होता है, दे आर अंडर द केयर, अंडर द कस्टडी ऑफ समबडी एल्स। जब तक वो बालिग नहीं होंगे, जब तक उनकी जो कफालत कर रहे हैं, जो उनके कफील हैं, जो उनके गार्डियंस हैं, वो अपने पास पैसा रखेंगे, बच्चे को फजूल खर्ची करने के लिए तो नहीं दे देंगे ना। जब तक बच्चा बालिग नहीं हो उसको खर्च करना भी ठीक से आता है कि नहीं आता है? दे वुड स्पेंड ऑन थिंग्स जो कि ज़रूरत ही नहीं है, जो एक बच्चे के लिए हैं। तो इसीलिए जब तक वो बालिग नहीं हो जाए, मैच्योर नहीं हो जाए, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर तीन, दोस हु आर सेन, यानी सही होल दिमाग हो। एक इंसान जिसका दिमाग काम ही नहीं करता है, जिसको ऐसे किस्म की कोई डिजीज़ है, या तो डाउन सिंड्रोम है, या उसको किसी किस्म का कोई भी मेंटल कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से वो हैंडल ही नहीं कर सकता है, तो उसको ज़कात देना उसके ऊपर, जिस तरह नमाज भी उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा भी उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात भी उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। नमाज और रोज़े के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा किसी का फुल्ली डेवलप्ड नहीं है तो उसको फिर भी आप सिखाएं, नमाज सिखाने की कोशिश करें, जितना भी वो सीखता है काफ़ी है। अगर वो सिर्फ इशारे ही कर लेता है तो भी काफ़ी है, सिर्फ सूरह फातिहा सीख ले, सुबहान रब्बिल आला सीख ले, सुबहान रब्बिल अज़ीम सीख ले, अल्लाह अकबर सीख ले, जो भी उसकी कैपेबिलिटी है वो सीख ले, उसके लिए काफ़ी है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह मैंने रोज़े का बताया, इफ़ ही डजंट अंडरस्टैंड कि रोज़ा क्या है, सुबह से शाम तक मुझे क्यों भूखा रखा जा रहा है, व्हाट्स द पॉइंट कि उसको हम रोज़ा रखाएं। लेकिन आप कोशिश करें कि इफ़ यू आर फास्टिंग दिस इज़ यू नो, उसको सिखाने की कोशिश करें। बच्चे नर्सरी राइम सीख लेते हैं, इतनी चीज़ें आजकल तो माशाल्लाह उनके सामने टैबलेट होता है, दे लर्न एवरीथिंग, स्पीच थेरेपी होती है उनकी, कितनी चीज़ें, तो आप उसको सिखाते हैं, अलग बात है। लेकिन ज़कात इज़ समथिंग जो आप बच्चे को नहीं सिखा सकते, उस बच्चे के पास पैसा ही नहीं है अपने हाथ में, तो वो क्या देगा। चौथी चीज़ ये है कि उस बंदे को सिर्फ ज़कात देना है, हर बंदे को नहीं देना है, उस बंदे को ज़कात देना या बंदी को ज़कात देना है जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव वेल्थ हो, यानी उसके पास निसाब हो। निसाब किसको कहते हैं? आजकल के ज़माने में अगर हम उसको राउंड फिगर लेके बोलें तो 3 ounces ऑफ गोल्ड की जितनी कीमत है, या 85 grams ऑफ गोल्ड,
85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या 3 ounces ऑफ गोल्ड, जिसको पाकिस्तान में अगर हम तोले में गिनेंगे, अब तो वहाँ भी ग्राम्स में होता है, लेकिन अगर तोले में गिनेंगे तो हम ये कहेंगे कि जिसके पास 7.5 तोले सोना है। जिसके पास 7.5 तोले सोना नहीं है या उसके बराबर का वेल्थ नहीं है, यू डोंट हैव टू हैव गोल्ड बट यू कैन हैव समथिंग जो इक्विवेलेंट हो, उसके इक्विवेलेंट जो भी प्रोडक्टिव वेल्थ हो उसकी वैल्यू अगर 7.5 तोले सोने के बराबर है, तो फिर उसका मतलब ये कि आप साहिब निसाब हैं, आपको ज़कात देनी है। अब निसाब की जो प्राइस है वो एवरी ईयर फ्लक्चुएट होती है, एवरी डे भी फ्लक्चुएट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो प्राइस ऑफ गोल्ड आप कैसे मालूम करेंगे? पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, फ़ौरन सोनार को पूछ लेते हैं और रोज़ अखबार में आ जाता है आज सोने का भाव ये है, रोज़ आ जाता है आज सोने का भाव, तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर आप वेबसाइट गूगल कर लें, वेबसाइट पे जाके देख लें, स्पॉट मार्केट रेट आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से भी मांग सकते हैं। जिस दिन आपके ऊपर ज़कात ड्यू होती है उस दिन के रेट से आप देंगे, पिछले रेट से नहीं देंगे। कि मैंने सोना ख़रीदा था जब मेरी शादी हुई थी 42 ईयर्स पहले, तो उसकी वैल्यू तो ये थी, तो मैं अब उस पर दूंगी ज़कात? नहीं। लोग पूछते हैं मेरे सोने की वैल्यू तो इतनी थी उस वक्त, कितना, 100-150 रुपये तोला था, अब कितना है? नो आप खाना पीना तो करंट वैल्यू से कर रहे हैं, ज़कात देने के लिए यू गो बैक टू 42 ईयर्स? नहीं। सो आप ज़कात जो स्पॉट रेट है आज की, अपने आज ज़कात आप पे ड्यू है तो उसी रेट से। लेकिन बता दिया मैंने आपको कि अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, अगर आपने कैलकुलेट किया, आपको पता चला कि समझिए $3,000 है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि $3,000 है आज, तो $3,000 से अगर आपके पास कम है तो आपके ऊपर ज़कात ड्यू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पूरे नीड्स पूरे हो भी रहे, पूरे नीड्स आपके हो भी रहे, लेकिन अगर आपके पास निसाब नहीं है तो आपको ज़कात नहीं देना है। ज़कात जो है वो हमारे पास वो पैसा जो है, जो वो जेवर है या वो पैसा है या वो अकाउंट है या वो शेयर्स हैं, जो भी चीज़ है, इट हैज़ टू स्टे विद अस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 इस्लामिक ईयर, यानी 1 लूनर ईयर, 1 लूनर ईयर। उस तक अगर आपके पास पूरा साल, यानी 354 डेज, लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था रमज़ान में कि कितने डेज हैं, सबके सब गेस वर्क कर रहे थे, तो 354 डेज तक अगर वो पैसा आपके पास है, वो वेल्थ आपके पास है, तो आपको ज़कात देनी है। ठीक है ना। इस तरह क्या होता है, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि आपके पास वो वेल्थ है, एक साल तक आपके पास वो वेल्थ है, यू कैन इन्वेस्ट इट, हलाल चीज़ों में आप इन्वेस्ट करें। जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, उस प्रॉफिट से आप ज़कात दे दें, तो क्या हुआ, आपके पैसे कम तो नहीं हुए ना। आप उसको हलाल इन्वेस्टमेंट करें, आपको जो पैसे मिलेंगे विद इन दैट ईयर आप उसको ज़कात में दे दें, दिस इज परफेक्टली ओके, ये हलाल है, हराम नहीं है। इसी तरह जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके पास एक पूरा साल अगर गुजर जाता है तो उनकी एक कहते हैं ना 4 सीजन्स उन पर गुजर जाते हैं, हर सीज़न गुजर जाता है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सीज़न से फ्लक्चुएट हो जाते हैं ना। कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जो सीज़न से फ्लक्चुएट होते हैं, होटल का बिजनेस है, बहुत सारी, मुझे तो नहीं पता इतना बिजनेस का, लेकिन बहुत सारी बिजनेसेस हैं जो ख़ास सीज़न में होती हैं। ठीक है, अब किसी का घर है वहाँ पर लेक टाहोम में है, बिग बेयर में है, तो उनका ज़्यादा क्या होगा, जब विंटर्स आएगी उनका बिज़नेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्नोइंग, स्कीइंग, ये सब, स्नोबोर्डिंग, तो इन चीज़ों की वजह से लोग, तो उस वो भी पूरा साल जब गुजरेगा दे विल हैव गॉन थ्रू द 4 different seasons। ठीक है, इसके अलावा अब अच्छा अब ये देखना है कि ज़कात किस चीज़ पर ड्यू है, किस चीज़ पर ड्यू है। मैंने आपको बताया वेल्थ, मैंने आपको सिर्फ बताया वेल्थ, मैंने आपको डिटेल में नहीं गई अब तक। अब मैं डिटेल में आके बता रही हूँ कि कौन से टाइप्स ऑफ माल पे, कौन से टाइप्स ऑफ वेल्थ पे, किस किस्म के माल पे आपकी ज़कात ड्यू है। सबसे नंबर वन हम लेते हैं करेंसी, जो आपके पास रुपए हैं, चाहे वो डॉलर हैं, चाहे पाउंड्स हैं, चाहे यूरोज हैं, चाहे येन्स हैं, चाहे जो भी हैं, इट इज़ करेंसी, किसी भी दुनिया में किसी भी जगह की करेंसी हो। नंबर टू क्या होता है, सोना और चांदी, सोना चांदी आपके पास है तो। नंबर तीन क्या हो सकता है, आपके बिजनेस के एसेट्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस का जो माल है वो हो सकता है। नंबर चार क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आपके जो आपके अगर लैंड्स हैं, आपके अगर फार्म्स हैं, आपके अगर फ्रूट्स निकल रहे हैं, आपकी अगर सब्जियां निकल रही हैं, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी उसमें से जो प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर भी ज़कात है। आई विल गो इनटू डिटेल्स इंशाल्लाह। या लाइफ स्टॉक, आपके पास अगर कैटल है, एनिमल्स हैं, शीप फार्म है, कुछ भी आपका लाइफ स्टॉक है आपके पास, उसके ऊपर भी ज़कात है, वो इंशाल्लाह बाद में आते हैं उस पर। जो आइटम्स आपके पर्सनल यूज़ के लिए हैं, पर्सनल यूज़ के लिए हैं, वो उस पर ज़कात नहीं है। मसलन मतलब उसके ऊपर वो प्रोडक्टिव वेल्थ नहीं कहलाता है,
वो वेल्थ ऐसा नहीं है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो बढ़ेगा, ठीक है, वो आपका उतना ही रहता है। मसलन उनके ऊपर नहीं है ज़कात, मसलन घर, आपका अपना घर, घर की कीमत बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन आपने घर जिसमें आप रह रहे हैं आपने किस लिए ख़रीदा था? क्या आपने इसलिए ख़रीदा था कि आप उसको बेचें? अगर आपने इस नियत से ख़रीदा था कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं ये घर ख़रीद रही हूँ, मैं इस घर को बेचूंगी, तो फिर आप अगर उसमें जाके रह भी लें लेकिन आपने ख़रीदा इस नियत से था कि आप इन्वेस्ट करें, तो फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। नॉर्मली लोग अपना घर जो पहला ख़रीदते हैं, एक घर, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ख़रीदते हैं। नॉर्मली लोग इसलिए लेते हैं कि हमें किराया ना देना पड़े, हम इस घर में रहें, हमारे सर पे एक छत हो और हमारे बच्चों को ये घर मिले जब हम फौत हों। तो वो घर उसमें रहने के लिए जो लेते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है, अपना घर अपने रहने के लिए। नंबर टू, अपने कपड़े। अब आपके पास कपड़े हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कपड़े बनाएं, मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी आपके पास कपड़े, अगर हंसी इसलिए आती है आप लोगों को कि हम औरतें हैं, हम लोगों को कपड़ों का क्रेज़ होता है और हम लोग सोचते नहीं हैं। खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो कपड़े होंगे वो 7.5 तोले सोने से ज़्यादा नहीं होंगे, उम्मीद है। लेकिन हमारे लोग आजकल जो कपड़े बनाते हैं पाकिस्तान में, वो आपने देखा कितने महंगे, एक ब्राइडल ड्रेस कितना महंगा आता है, एक ब्राइडल ड्रेस लाखों का आता है। तो उसके ऊपर शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करें कि ज़कात नहीं है। यू विल बी अकाउंटेबल फॉर फजूल खर्ची, फॉर इसराफ, वो आपको ज़रूर, आपने क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला को इसराफ करने वाले नहीं पसंद, अल्लाह ताला ने कहा बिल्कुल नहीं पसंद, उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। लेकिन शुक्र करें कि उस पर ज़कात नहीं है, अपने कपड़ों के ऊपर, फूड के ऊपर, खाने की चीज़ों के ऊपर जो हम खा रहे हैं, फर्नीचर के ऊपर जो हमने घर में इतना रखा हुआ होता है, अपनी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की गाड़ियाँ होती हैं, हर किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन शुक्र है कि उस पर भी ज़कात नहीं है, अल्लाह का इतना एहसान है। बुक्स का ख़जाना अगर देखें तो घर में बुक्स जिनके पास होती हैं कि आपके पूरे पूरे कमरे बुक्स से भरे हुए होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है उस पर नहीं। टूल्स, किसी भी किस्म के टूल्स जो हमारे घर में हैं, और किसी भी किस्म के डिवाइसेज हैं, हमारा टीवी है, हमारा रेडियो, आई एम नॉट सेइंग कि सब टीवी भी सिनेमा घर भी घर में उठा के रख लें, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मतलब ये कि अगर कोई डिवाइसेज हैं आपके पास तो उस पर भी, ब्लेंडर है, जूसर है, जितनी भी चीज़ें हैं, मशीन है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, उन पर ज़कात नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रही हैं। तो अब कौन सी चीज़ पर्सनल यूज़ की है, और यस I'm coming to everything. If there is something which is uncovered, then you ask me questions. I want to finish the whole thing. अगर कोई चीज़ uncovered है, आप अपने questions लिख लें please, ताकि आप भूल ना जाएं कि you had this question, ठीक है ना। तो जो चीज़ें personal use के लिए हैं कि नहीं है, वो अल्लाह को मालूम है, आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम है। तो अगर आपने कोई चीज़ इस नीयत से ख़रीदी कि इस पर मुझे ज़कात ना देना पड़े, तो फिर अल्लाह ताला उनको अकाउंटेबल होल्ड करेगा। अल्लाह ताला खबीर भी और अलीम भी, उसको सब मालूम है हमारे अंदर क्या है। अभी जिस तरह ये कह रही हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं या डायमंड्स हैं, अगर एक, अभी मैं आऊँगी ज्वेलरी पे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई चीज़ ख़रीदता है कि हमारे पास डायमंड्स पे तो ज़कात नहीं, आई एम कमिंग टू डैट कि उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इसलिए डायमंड्स ख़रीद के स्टोर करके रख देता है या प्रेशियस स्टोन कि इस पर ज़कात नहीं है और ये मेरी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, अब अल्लाह को मालूम है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए वो ख़रीदा या आपने स्टोर करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए ख़रीदा एंड टू सेल इट, अल्लाह नोज। सो हमें किसी को जजमेंट का इख्तियार नहीं है कि मैं आपको कहूँ या आप मुझे कहें, ये हमको मालूम है और हम अल्लाह को मालूम है। रियलिटी में क्या होता है कि जो टैक्स को अवॉइड करता है वो, उनको ये होता है कि वो हम इसमें टैक्स नहीं देंगे, हम इसमें ज़कात नहीं देंगे, टैक्स तो नहीं अवॉइड लेकिन ज़कात अवॉइड हो सकती है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, तो उस पर आपको ज़कात देनी है। ये अभी मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रही, जस्ट डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। इस वक्त मैं सिर्फ आपको एक जनरल बात बता रही हूँ। तो अभी मैं आपको डिटेल्स आ रही हूँ उन्हीं सब चीज़ों की जो मैंने अभी आपको हेडिंग्स दी हैं, अब उसकी डिटेल्स में आ रही हूँ। करेंसी, करेंसी क्या है? ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ वेल्थ है जो हर एक के पास होता है, गरीब हो अमीर हो, थोड़ा पैसा वो बचा के रखता ही रखता है, चाहे वो कॉइन्स की सूरत में हो, चाहे बिल्स की सूरत में हो। ये नहीं कि ये मैंने कॉइन्स जमा किए तो इस पे ज़कात नहीं है, नहीं, वो भी आपका ऐड होता है ना, टोटल जितनी एसेट्स हैं उसमें ऐड होगा। तो कॉइन्स हैं, बिल्स हैं, चेक्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, कुछ भी चीज़ है आपका जो भी है सब उसमें इंक्लूडेड है। अगर आपने उसमें से कुछ करेंसी निकाल के रख दी आपने, जैसे कि ये मेरे बच्चे की शादी होने वाली है, मैंने उसके लिए निकाल के रख दिया, ये मेरे बच्चे के स्कूल के एक्सपेंसेस हैं, मैंने इसको अलग निकाल के रख दिया, वो स्टिल आपका वेल्थ है। ये नहीं है कि आपने निकाल के रख दिया कि ये मैं शादी में दूंगी, या तो आप उसको दे दें, जिसकी आपने शादी करनी है उस बच्चे को दे दें, भाई ये तुम्हारा है, जब तुम्हारी शादी होगी ये तुम अब ले लो बस,
तो फिर वो आपके ऊपर नहीं है, फिर उस बच्चे के ऊपर, जब वो जवान अगर है तो उसके ऊपर है। लेकिन अगर आपने स्कूल के एक्सपेंसेस रख दिए कि ये मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी, अब ये स्कूल में है, ये कॉलेज के, उस पर फिर इट इज़ योर मनी, इट इज़ एक्सेसिबल टू यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट अकाउंट्स, वो अभी मैं नहीं बात करूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी, करेंसी जो आपने रखा हुआ है अपने अकाउंट में रखा हुआ है या अपने हाथ में। अभी तो मैं करेंसी की बात, अकाउंट की भी बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट द मनी दैट यू हैव, प्योर मनी। तो किसी भी फॉर्म की करेंसी हो, किसी भी मुल्क की करेंसी हो, उसमें आपने ज़कात देनी। लेकिन याद रखें, इट इज़ नॉट ऑन इनकम, ये मैं बार बार कह रही हूँ, नॉट ऑन इनकम, ज़कात इज़ ऑन सेविंग्स। वो सेविंग्स जो आपके एक साल के, लास्ट एक साल के, वन ईयर जब आपने स्टार्ट किया उससे लेके अब तक, ठीक है ना, उस पे है, इनकम पे नहीं, सेविंग्स पे है। अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, अभी हमने करेंसी की बात की, सेकेंड फॉर्म ऑफ कैसी हमारी वेल्थ होती है, अकाउंट। यहाँ लोग कैश तो कम रखते हैं ना, अकाउंट में ही रखते हैं, बिजनेस वाले कैश रखते होंगे, दे नीड इट, लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादातर अकाउंट्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो तमाम अकाउंट्स करेंसी के बराबर ही कहलाती है, चाहे वो चेकिंग अकाउंट हो, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो। किसी के दिमाग में ये होता है, पाकिस्तान वाले ये समझते हैं कि अगर आपका ये करंट अकाउंट है या आपका ये चेकिंग अकाउंट है तो इसके ऊपर आपको ज़कात नहीं देनी। ये बात बिल्कुल गलत है। आपके ऊपर चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो चेकिंग अकाउंट हो, चाहे वो डिपॉजिट, जो भी है, उन सब के ऊपर ज़कात है। तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो आपने ख़रीदे हैं, कोई भी, किसी भी आपने, कोई स्टॉक्स पे भी अभी मैं नहीं आई हूँ, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है बैंक के अंदर, जो भी की हुई है, कहीं भी आपने की हुई है, इवेंचुअली जो कि आप बेच सकते हैं, रीसेल उसकी आप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ज़कात है, ठीक है। तमाम इन्वेस्टमेंट, चाहे वो बिजनेस का आपका मर्चेंडाइज हो, बिजनेस मर्चेंडाइज में अभी मैं थोड़ा और डिटेल में जाती हूँ कि आपका बिजनेस का आपका सामान हो, आपकी बिजनेस की इन्वेंट्री, उस पर भी ज़कात है। स्टॉक्स और शेयर्स जो है वो सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट है। अक्सर लोग स्टॉक्स में अपना पैसा रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसको बेचेंगे, वरना स्टॉक्स में क्यों डालें इंसान, इसीलिए डालते हैं क्योंकि वो अगर हलाल स्टॉक्स हैं, हराम नहीं पर हलाल स्टॉक्स हैं, किसी एथिकल चीज़ के हैं जो कि इस्लाम में अलाउड है, तो अलाउड है, उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है। लेकिन आप इसलिए ख़रीद रहे हैं कि अभी इसकी स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है, आप ख़रीद लेते हैं, उस पर भी आपकी ज़कात है। इसीलिए वो जो इन्वेस्टमेंट्स जितने भी हैं हर साल उसको देखना है, लेकिन आप ये याद रखें जितने का आपने ख़रीदा था वो वैल्यू नहीं, नॉट एट द ओरिजिनल प्राइस। अगेन जिस तरह जेवर का बताया, द प्राइस विल बी द करंट मार्केट वैल्यू। अगर इस वक्त आप वो स्टॉक्स को बेचेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, अगर आप स्टॉक्स को बेचने जाएंगे, आपने नहीं बेचा लेकिन बेचने जाएंगे तो इस वक्त वैल्यू उसकी क्या है। एक इन्वेस्टमेंट जो आपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए की हो वो डिफरेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट से कि जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए की हो। ये मैंने पहले भी आपको बताया और इस दफ़ा ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका डुअल इंटेंशन हो, कभी कभी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और आपका डुअल इंटेंशन होता है, आप ये कहते हैं कि चलो मैं पर्सनल यूज़ भी इसमें कर लूँगी लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं इसको बेच भी दूँगी, ठीक है ना, ये भी होता है। तो जो इंटेंशन आपका ग्रेटर है उन दोनों में से, दो जो इंटेंशन आपका ज़्यादा है वो इंटेंशन काउंट होगा। अगर और ये भी आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम है, अपने इंटेंशन को क्लियर रखें, अपने इंटेंशन को ड्यूअल आप रख सकते हैं लेकिन उस इंटेंशन को आप प्योरली रखें कि भाई ये है, डोंट गेट मिक्स्ड अप बिटवीन, लाइक कन्फ्यूज्ड बिटवीन योर इंटेंशंस, ताकि क्लियर हो जाए। मेरा तो ये है, मैं कहती हूँ जो भी आपने लिया उस पर ज़कात आप दे ही दें तो यू विल बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है ना। बिजनेस एसेट्स जो मैं अभी कह रही थी, बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जिस पे ज़कात ड्यू होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिस पे ज़कात नहीं होती है बिजनेस की चीज़ों में। किस किस चीज़ों पे ज़कात ड्यू है बिजनेस में, जो ये बताती हूँ। सबसे पहले जो मर्चेंडाइज होता है आपका पूरा बिजनेस के, जो आपकी तमाम वो चीज़ें होती हैं या इन्वेंटरी जिसको कहते हैं, वो चीज़ें हैं जो आपने खरीदी हैं बिजनेस के लिए लेकिन आप उससे फ़ायदा उठाएंगे उसको बेच के उससे फ़ायदा उठाएंगे। यानी कि अगर उसमें ये पोटेंशियल है कि आप उस बिजनेस की उस चीज़ को बेच सकते हैं और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें पोटेंशियल है टू बी सोल्ड फॉर सेलिंग, तो उसका मतलब ये कि उस पर ज़कात भी ड्यू है, उस पर ज़कात ड्यू है बिजनेस की जो भी चीज़ है जिसको आप बेच सकते हैं उस पर ज़कात। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की बिजनेसेस हैं, किसी की गारमेंट्स के हैं, किसी के वेयर हाउसेज हैं, किसी के क्या हैं, तो वो कहेंगे ये तो हमारा बिजनेस का माल है। उस बिजनेस के माल पे जिसको आप बेच सकते हैं या बेचेंगे
पोटेंशियल है या एक्चुअली आपने इरादा ही बेचने के लिए लिया है, तो उसके ऊपर ज़कात है. याद रखें वो आपकी पूरी इन्वेंटरी है, उस पर है ज़कात. और उसकी भी आप कैसे प्राइस मालूम करेंगे, कितनी ज़कात उस पर आप मालूम करेंगे, किस तरह, जो उसकी एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है. मतलब आपने ख़रीदा होगा. अब कहते हैं ना कि जो डॉलर स्टोर वाले हैं, इनको जब चीज़ें आती, हमारे एक जानने वाले थे कैनेडा में, उनको मैंने कहा कि डॉलर स्टोर वाले एक डॉलर की चीज़ बेचते हैं, चाइना से चीज़ लाते हैं, इसकी असल कीमत क्या होगी. उन्होंने कहा इसकी असल कीमत 25 सेंट से भी कम है, 25 सेंट से भी कम है. तो चाइना वालों को कितना मिलता होगा. वो चाइना जाते हैं पूरी शिप लोड करके, पूरा ट्रांसपोर्ट करके, दे ब्रिंग इट अप टू कैनेडा और द US, और फिर यहाँ पर वो डॉलर का बेचते हैं. तो कहते हैं नहीं, जो हमारे जो लोग जो सप्लाई करते हैं डॉलर स्टोर को, वो बता रहे थे, वो सप्लायर्स थे. तो उन्होंने कहा हमें तो ये 10 सेंट का या 15 सेंट का पड़ता है, 25 सेंट का समझ लें कि पूरा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ है, और फिर अगर हम 50 सेंट्स का डॉलर स्टोर वालों को देते हैं और वो 50, हाँ, तो अगर हम 50 सेंट्स का समझे कि वो उनको पड़ा, उन्होंने डॉलर स्टोर को, सॉरी, उनको 25 या 30 का पड़ा, उन्होंने डॉलर स्टोर को 50 का दिया और फिर उन्होंने 1 डॉलर का बेचा, तो लाइक इट्स अमेजिंग. डॉलर स्टोर इज समथिंग, 99 सेंट स्टोर कितना बड़ा है. मतलब इट्स अमेजिंग. मैं तो सोच के हैरान होती हूँ, मुझे ये होता है कि अल्लाह ये लोग क्या कमाते होंगे. बट दे आर ग्रोइंग. और कितना रश होता है 99 स्टोर में जाओ तो, हर चीज़ 99 सेंट की. जो चीज़ हम दूसरी जगह से लेके आते हैं, अरे ये तो मैंने 6 डॉलर का लिया था, यहाँ तो 1 डॉलर का मिल रहा है. तो जो उसकी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है, उस पर जितने की आपने खरीदी, देखिए आपने चीज़ें सस्ती खरीदी है लेकिन आपकी सेल प्राइस ज़्यादा है, तो आप वो सेल प्राइस, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस के हिसाब से, या जितने का आप दे रहे हैं डॉलर स्टोर को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, वेयर हाउस पे आपका रखा हुआ है, जो भी है, तो वो चीज़ें आपने उस प्राइस के हिसाब से अपनी ज़कात डिटरमिन करनी है. रॉ मटेरियल, जिसको खाम माल कहते हैं, वो रॉ मटेरियल जो आप किसी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपका पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, उसमें आपकी हर चीज़ है, वो चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं, उसको आप प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, उसको आप प्रोडक्ट बना के बेचेंगे. लेकिन तो आप ये कह देंगे कि भाई ये तो अभी हमारा रॉ माल पड़ा हुआ है, ये तो हमारा रॉ मटेरियल है, इसको तो अभी हम नहीं बेच रहे हैं, हम बेचेंगे तो हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे ना, तो इसमें हम क्यों ज़कात दें, हमारी जो प्रोडक्ट होगी उस पे देंगे. लेकिन आपके पास अभी प्रोडक्ट है ही नहीं, बट यू हैव द रॉ मटेरियल, सो दैट इज योर एसेट. यू हैव द रॉ मटेरियल, आपने उस पे ज़कात देनी है, उसी मटेरियल के हिसाब से जो उसकी वैल्यू है. प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं आप लगाएंगे, अभी आप रॉ मटेरियल की लगाएंगे वैल्यू. करेंसी, जो बिजनेस की अपनी करेंसी, एक तो हमने अपनी पर्सनल करेंसी की पहले बात की, अब हम बिजनेस के कैटेगरी में बात करें, जो आपके बिजनेस का जो एसेट है, जो बिजनेस की जो करेंसी है, जिस अकाउंट में भी आपका बिजनेस अकाउंट है, उसके ऊपर भी आपकी ज़कात है. रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, बिजनेस टर्म्स में उसको रिसीवेबल्स कहते हैं, उसको वो पैसा जो आपका वसूल होने वाला हो, जो आप वसूल करने वाले हो, जो आपको मिलने वाला हो, जो कि करंटली आपके ड्यू हो, आपको मिलना हो, यानी जो लोग आपको पैसा देंगे, यानी उनके ऊपर ये कर्जा है, उन्होंने आपको देना है, उसके ऊपर भी आपको पता है कि वो पैसा आपको मिलने वाला है, उस पैसे पे आपका वो ड्यू है, आपको अमाउंट पता है, आपको फलाने फलाने पे करना है, उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है. बहुत सारी बिजनेसेस ऐसी हैं जो इमीडिएटली पेमेंट नहीं मांगती हैं, ठीक है, तो आप ये कर दो, आपके ये पेमेंट यू कैन पे, वो जो पेमेंट आपकी आने वाली है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे आ रही हो, चाहे वो डिफर्ड पेमेंट हो, उस पर आपकी ज़कात है. इमीडिएटली पेमेंट आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपकी ज़कात है उसके ऊपर भी ना, उस तमाम रिसीवेबल्स पे जो आपके पास है, जो लोग आपको ओ करते हैं, आपके पास उसका राइट है, लीगल राइट है कि ये मुझे मिलने वाला है, वो सब कहते हैं ना वाजिबुल अदा है, वाजिबुल अदा है, ये पेएबल्स हैं, उनको रिसीवेबल्स हैं, उनको आप पेएबल करेंगे, ये रिसीवेबल्स हैं, ये आपको मिलेंगे, और जो चीज़ें पेएबल हैं, जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा हैं, यानी आपने उस बिजनेस में से जिसको पे करना है, आपको एक चीज़ मिल रही है बिजनेस में, वो किसी और का डेट है, लेकिन आपका जो डेट है, जो आपने किसी को पे करना है, वो उसमें से आप निकाल लेंगे. समझ में आई? टोटल अमाउंट में से यू सब्ट्रैक्ट द अमाउंट, उसको आप निकालेंगे जो आपने किसी को पे करना है, वाजिबुल अदा, ठीक है ना. यानी जो बिजनेस के जो डेट्स हैं, आप ये समझ लें, एक बिजनेस को मिलने वाले हैं, किसी और का डेट है, बिजनेस को मिलने वाला है, एक जो बिजनेस का डेट है जो आपने किसी को पे करना हो,
मसलन बिजनेस की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो वो चीज़ें आपने पे करनी हैं, तो वो चीज़ें आप उसमें से डिडक्ट कर लेंगे ज़कात की डिटर्मिनेशन से पहले. ज़कात किस चीज़ पे, बिजनेस की किस चीज़ पर नहीं ड्यू है. अभी हमने वो चीज़ें बात की जो बिजनेस की एसेट्स पे जो ड्यू है ज़कात. बिजनेस की कौन सी एसेट्स पे ज़कात ड्यू नहीं है? फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जो बिजनेस की बिल्डिंग है. जो बिजनेस की बिल्डिंग है वो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, वो आपने बिजनेस के लिए खरीदी थी. बिजनेस का जो लैंड है, बिजनेस की जो बिल्डिंग है, बिजनेस की जो मशीनरी है, वो सब चीज़ें उसके ऊपर आपकी, वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके ऊपर आपकी ज़कात नहीं है, उनके ऊपर ज़कात नहीं है. और वो चीज़ें बिजनेस की जो आपने रेंट आउट की, सपोज़ आपका बिजनेस है घर रेंट करना, अब आप 10 घर आपने खरीदे हैं और आप उनको, सिर्फ आपका बिजनेस ये है कि आप घरों को रेंट करते हैं, तो अगर आप वो सिर्फ, अगर आपका रियल एस्टेट का ये है कि आप उन बिजनेस को सिर्फ रेंट आउट करते हैं, तो उसके ऊपर आपकी ज़कात नहीं है. लेकिन अगर आपने इसलिए रेंट पे है, रेंट पे है, बिजनेस के उस घर पे नहीं है, अगर आपने सिर्फ, अगेन अल्लाह को मालूम है और आपको मालूम है, आपने इसलिए घर खरीदा कि आप घर खरीदेंगे तो आप जब बेचेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इसकी इसका प्राइस बढ़ गया होगा और फिर आप उसको रेंट पे डाल दें, तो दो दो इंटेंशंस हो गए ना. उस इंटेंशन में से स्ट्रॉन्गर इंटेंशन क्या है? तो अगर आपने घर खरीदा था इन्वेस्टमेंट के लिए, बेचने के लिए, तो फिर आपने उस पर ज़कात देनी है. आपने अगर घर खरीदा था सिर्फ उसका इनकम लेने, बाज़ हैं सिर्फ इनकम वाले घर हैं, आप उनको खरीद नहीं रहे, आपने सिर्फ इनकम के लिए आपने किया है कि भाई मेरे पास कोई इनकम हो हर साल हर महीने, तो उसके लिए आपको सिर्फ रेंट जो आएगा उस पर ज़कात देनी है, उस एसेट पर जो फिक्स्ड एसेट है उस पर नहीं देनी है ना. अगर प्राइमरी इंटेंशन आपका यही था कि आपने घर बेचना है लेकिन आपने फिर उसे दे दिया, तो, और ये हम इस वक्त बिजनेस की बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस एसेट की. बिजनेस आपने जो लिया था उसका प्राइमरी इंटेंशन ये था कि आप उसको बेचेंगे तो फिर उस पर ज़कात है. लेकिन अगर प्राइमरी इंटेंशन ये था कि यू आर गोइंग टू रेंट इट आउट, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है. मसलन मैं आपको एक सिंपल सी, इसको सिंपल बना के बताती हूँ. अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, आपके बेसिकली तीन इंटेंशंस हो सकते हैं. एक ये बिजनेस के लिए नहीं, समझे कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ए. अब आप खरीद रहे हैं, उसके अंदर आपके तीन इंटेंशंस हो सकते हैं. नंबर वन ये कि आप उस घर में रहें, जैसे हमारा पर्सनल घर है उसमें आप रहें, उसके ऊपर ज़कात नहीं है. नंबर टू ये है कि आप उसको रेंट करने के लिए आपने लिया है कि आप चलो इसको रेंट करेंगे और ये एक इन्वेस्टमेंट होगा, इन द सेंस कि मुझे रेगुलरली इनकम आ रही है, जो मैंने अभी आपको बताया, उस पर ज़कात नहीं है. नंबर थ्री ये है कि आपने इसलिए वो ख़रीदा घर कि चलें कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मैं बेच दूँगी, उस पर ज़कात है. तीन किस्म की इन्वेस्टमेंट बताई ना मैंने, एक आपने अपने रहने के लिए या बिजनेस के लिए जो इस वक्त ज़रूरी है, उस पर ज़कात नहीं है. नंबर टू आपने सिर्फ एक रेंटल इनकम के लिए ख़रीदी है कि चले मेरे पास कुछ हो, उस पर ज़कात नहीं है. लेकिन अगर आपने इसलिए ख़रीदी है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी मैं इसको बेचूंगी एज एन इन्वेस्टमेंट, तो फिर उस पर ज़कात है. तीन में से एक पर ज़कात है. बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी उसकी जो मशीनरी है, उसकी जो इक्विपमेंट है, जो बिजनेस का फर्नीचर है, जो बिजनेस के कंटेनर्स हैं, जो बिजनेस की पैकेजिंग है, जो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी, जो आप उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी, अगर इवेंचुअली कहीं बेचना पड़ गया, बैंकरप्ट हो गया, बेचना पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी, वो बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्च हैं, अखराजात हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं, उस पर ज़कात नहीं है. ओके, डेड डेट, ये क्या चीज़ होती है? आपने किसी को लोन दिया था, बिजनेस ने किसी को लोन दिया था, लेकिन जो आपका कस्टमर था, आपका जो क्लाइंट था, वो आपको पे बैक नहीं कर सका, ही और शी इज़ अनेबल टू पे इट बैक, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि भाई मैंने तो नहीं देना, मैं नहीं दे सकता, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस ना, मेरी ये ट्रांजेक्शन हुई और जो किया उसने गलत किया, इस्लाम, यहाँ सब इस्लामिक ट्रांजेक्शन तो नहीं होते हैं ना, आपके साथ किसी ने किया, अब यहाँ आप ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ही आप बिजनेस करें, आपके गैर मुसलमानों के साथ भी बिजनेस होंगे. सपोज़ उन्होंने कहा कि नहीं आई एम बैंकरप्ट, मैं वापस नहीं दे सकता, तो उस वो एक डेड डेट हो गया, उसके ऊपर आपने नहीं देना है, उसके ऊपर आपने ज़कात नहीं देनी है. लेकिन अगर आपको पता है कि इसने आपको ज़कात देनी है, आप सॉरी इसने आपको डेट वापस करना है, तो फिर आपने देना है. मैं इसीलिए ज़्यादा जो मैंने शुरू में बताई, मैं आई एम गोइंग इनटू ईच एंड एवरी डिटेल. बार दफ़ा ये होता है कि आप लोग कहते हैं कि आपने हेडिंग तो दे दी, हमें डिटेल्स नहीं पता. सो इसीलिए आप लोग अपने क्वेश्चन अभी भी लिख लें, जो भी चीज़ नहीं समझ आ रही है. अब आ रही है ज़कात ऑन गोल्ड एंड सिल्वर.
गोल्ड एंड सिल्वर हिस्टोरिकली आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर किस लिए यूज होता है, अखबार में क्यों आता है, बुलियन लिखा हुआ क्यों आता है, क्या लिखा हुआ आता है कि अगर आप इन्वेस्ट करने, लोग ज्यादातर क्या खरीदते हैं, वो कॉइन्स खरीदते हैं, ब्रिक्स खरीदते हैं, नगेट्स खरीदते हैं, बार्स खरीदते हैं, ये किस चीज़ के लिए होता है? पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि भाई ये ईंट खरीद के रख लो, ईंट कहते हैं शायद ना पाकिस्तान में, ईंट खरीद के रख लो, और इतनी ज़्यादा ये चीज़ें मिलती हैं, वो कहते हैं ये हम अपनी सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं, किसी वक्त इमरजेंसी हो तो हम इसको बेच सकें, तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी एंड एन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर ज़कात देना ज़रूरी है। वो जो आपके कॉइन्स हैं, आपके बार्स हैं, आपका गोल्ड कोई भी इस तरह का है, उस पे देना है। लेकिन अगर आपके पास आपके पास ज्वेलरी अगर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब गोल्ड और सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी है, यानी जेवर है आपके पास जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए, अब ये मर्दों पे तो अप्लाई नहीं हो रहा है, औरतों के लिए अप्लाई, खैर मर्द भी आजकल ज्वेलरी बहुत पहनने लगे, कानों में बाली है, गले में पहन लेते हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, हम मर्दों को छोड़ें इस वक्त, कि हमारी जो ज्वेलरी होती है पर्सनल यूज़ की ज्वेलरी, अगर आपने इसलिए वो ज्वेलरी खरीदी है विद एब्सोल्युटली नो इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपने कहा नहीं मैं तो सिर्फ अपनी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ, सिर्फ पर्सनल अपने लिए कि मैं ज्वेलरी पहनूँ, नज़र तो नहीं आ रहा कि किसी ने इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, हम लोग पहनते कहाँ हैं, लेकिन फिर भी इसमें दो ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन वो ये है, मेजर टू ओपिनियंस हैं कि ज्वेलरी के ऊपर, जेवर के ऊपर ज़कात नहीं है क्योंकि वो पर्सनल यूज़ की है, जेवर के ऊपर ज़कात नहीं क्योंकि वो पर्सनल यूज़ की, देर इज़ एन ओपिनियन, ठीक है ना। लेकिन दूसरी ओपिनियन क्या है कि आपको चाहे वो आप पर्सनल यूज़ के लिए लें, चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट के लिए लें, उसके ऊपर ज़कात है, क्योंकि ज्वेलरी का मतलब ये है कि आप जब चाहें उसको बेच सकते हैं और आप उसकी वैल्यू मिल सकती है, और जब आपने ख़रीदा था उसकी वैल्यू कम थी, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए हिस्टोरिकली उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। हनफी स्कूल के मुताबिक, इमाम अबू हनीफा के मुताबिक और अहले हदीस के मुताबिक, ज्वेलरी चाहे पर्सनल यूज़ के लिए हो चाहे सेविंग्स के लिए हो, उस पर ज़कात देना ज़रूरी है। ये सबसे सेफ ओपिनियन है, सबसे स्ट्रांग ओपिनियन है। मैं अपने ओपिनियन आप पे मुसल्लत नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि देखें अगर वो ओपिनियंस है ना, ये पता है कि इसके ऊपर ज़कात है। कुछ अहदीस हमें मिलती हैं, कुछ वीक हैं, कुछ ऑथेंटिक हैं, मिलती हैं अहदीसें जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को देखा, उसने गोल्ड का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस पे ज़कात दी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं उनसे कहा ना कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई बातें तो नहीं की कि ये तुमने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था, एक पर्सनल तो उसने पहना हुआ है, तो फिर भी उसके पर है। आई वुड गो, अपने लिए मैं, मेरी ओपिनियन ये जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जो भी आपके पास जेवर है, मेरे पास जो है उसका मैं उसकी ज़कात अदा करूँ ताकि मैं सेफ रहूँ। कल को ऐसा ना हो कि यही जेवर जो है वो आग में पिघला के अल्लाह ताला मुझे कहे, या सांप बन के वो मेरे गले में आ जाए, या वो मेरे पीठ पे और मेरे मुँह पे क़यामत के दिन लगाया जाए। अगर मेरे पास 100 तोले है सोना, उसमें से अगर मैं 2.5 तोले सोना देती हूँ तो क्या हो जाएगा? माइट एज वेल गिव। मैं नहीं कह रही कि आप ज़रूर दें, लेकिन और फिर आप ये भी सोचें ना, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गोल्ड पर्सनल यूज़ के लिए ही, सिर्फ एब्सोल्युटली एक ही नियत थी कि भाई हम सिर्फ इसको पर्सनल यूज़ के लिए, कितने लोगों ने किया बताएं? मुझे तो नहीं लगता पर्सनल यूज़ के लिए सिर्फ खरीदते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए हम क्या खरीदते हैं? जो छोटे छोटे इयर रिंग्स आ गए, छोटी छोटी चीज़ें आ गई, 2-4 चूड़ियाँ, एक ब्रेसलेट, ये चीज़ें हो गई ना। लेकिन वो जो इतना इतना जेवर होता है वो किस लिए होता है? वो तो शादियों पे जो अपनी बेटियों को लोग जो भर भर के दे रहे होते हैं, इतना किस लिए दे रहे होते हैं? नंबर 1 शो ऑफ के लिए दे रहे होते हैं, नंबर 2 इसलिए दे रहे होते हैं कि हमारी बेटी के पास ये सारा हो, जब इसको ज़रूरत पड़े इसको बेच सके, और जब कोई इमरजेंसी आती है वो उन चीज़ों को बेच देते हैं। दूसरी बात की है, हमारी ज्वेलरी कहाँ पड़ी हुई होती है नॉर्मली? क्या घर पे पड़ी होती है? लॉकर में, बैंक में, सेफ्टी डिपॉजिट में, लॉकर में। तो क्या वो हम रोज़ पर्सनल यूज़ के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी डे यूज़ करें, लेकिन क्या हम यूज़ कर रहे होते हैं? जब साल में 2 साल में एक शादी आती है जिसमें हमें लगता है कि अब हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम जाके लॉकर से निकाल के पहन लेते हैं। तो सच सच सोचे कि हमने किस लिए ख़रीदी थी ये ज्वेलरी? पर्सनल लिए भी, पहनने के लिए भी, हमें अच्छा लगा, हमें खूबसूरत लगा, हमने कहा हम ये पहनेंगे, इट इज़ अलाउड एंड यू डू इट। लेकिन बात यह कि हो सकता है कि हमारी नियत डुअल हो। सो अगेन, कोई किसी को जज नहीं कर सकता है, कोई किसी को ये नहीं आप जाके पूछ सकते हैं तुम इतना सारा ज्वेलरी पहनती हो, तुम इस पर ज़कात देती हो कि नहीं देती, इट्स हर ओन बिजनेस भाई, अल्लाह के साथ, आप उसको ना पूछें। सवाल पूछा था अभी जीनत ने कि डायमंड्स, रूबीज, प्रेशियस स्टोन्स पे ज़कात है कि नहीं,
नहीं डायमंड्स पे, प्रेशियस स्टोन्स पे, रूबीज पे, एमरल्ड्स पे, सेफायर्स पे, किसी चीज़ पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन आप देखें, अगर वो ज्वेलरी के अंदर बनी हुई है, गोल्ड के अंदर है अगर, तो गोल्ड के अंदर जो डायमंड होगा उस डायमंड के ऊपर ज़कात नहीं होगी, लेकिन द वैल्यू ऑफ गोल्ड पे तो है ना। मैंने इतने लोगों को सुना है, खुद सुना है और काफ़ी सालों से सुन रही हूँ, कहते हैं नहीं 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 गोल्ड की ज्वेलरी ना खरीदो, उस पर ज़कात देनी होगी। लुक एट दिस एटीट्यूड, ज़कात देनी होगी, इसके बदले मोतियाँ खरीद लो, इसके बदले डायमंड्स खरीद लो। मतलब दिस इज़ अ वे ऑफ एस्केपिंग ना, कि आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी के अंदर आपके पास डायमंड्स हैं या जो भी हैं, आप उसका अंदाजा देखिए, यू कांट ब्रेक योर ज्वेलरी फॉर दिस, राइट? कि आपके पास डायमंड्स का हार है, आप उसके क्या कहें नहीं नहीं अभी ये डायमंड्स हैं हार है तो मैं इसके ऊपर कैसे इसका अंदाज़ा लगाऊँ। आप देखें कि इतना वजन कितना है, इसका गोल्ड कितना होना चाहिए, आपके पास हो सकता है रसीदें भी मौजूद हों। तो हमने अगर एक दफ़ा आपने वो रसीदें दुकान से ले ली, व्हेन यू बॉट इट, उसके ऊपर लिखा होगा गोल्ड इतना और वेट इतना, इतना इतना जो है वो जो क्या डालते हैं वेस्टेज, पाकिस्तान में तो ये भी डालते हैं ना वेस्टेज इतनी सब कुछ, तो सब कुछ आपका लिखा हुआ होगा, उसके मुताबिक आपको पता है आपके पास इतने आउंसेस ऑफ गोल्ड है या इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड है या इतने तोले सोना है। आप उसी सोने को रिकॉर्ड में अपने रख लेना कि ये फिगर है हमारे गोल्ड की और ये डायमंड्स की या ये स्टोन्स की। फिर आपने डायमंड्स पे तो नहीं देना है, गोल्ड पर ही देना है। बहुत आसान है, लोग इसको बहुत मुश्किल बना लेते हैं। एक दफ़ा आप ज्वेलर के पास चले जाए, आप उसको कह के देखें इसका मुझे ज़रा कर दो, इवेल्युएशन कर दो, तो वो आपके लिए कर देगा, आपके लिए सारी उम्र के लिए आसानी हो जाएगी। फिर जितना आप नई ज्वेलरी खरीदें आप उसका लिख लिया करें, जस्ट कीप द रिसीट्स, यू विल नो, ठीक है ना। अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है या जो अभी मैं डायमंड्स की बात नहीं कर रही, पूरी ज्वेलरी की बात कर रही हूँ, आपके पास इतनी ज्वेलरी है कि आपने ज़कात देनी है और आपके पास पैसा है तो आप पैसे से ज़कात दें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं है, आपके पास ज्वेलरी है, तो बाज़ लोग कहते हैं फिर हम क्या करें, उसी ज्वेलरी में से फिर आप अगर 40 तोला है तो एक तोला निकाल के या गोल्ड दे दें ज़कात में जिसको देना है, और या तो आप उसको कैश करें और उसको आप ज़कात में दे दें, ठीक है। ये ना आप समझें कि आपको नहीं देना है, मेरे पास पैसे नहीं है तो आप उसको बेच दें, एक तोले को बेच दें, आप 40 तोले में से एक तोले को बेच दें और दे दें। हाँ, अगर हस्बैंड के पास पैसा है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बीवी के जेवर की ज़कात दे। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम तो ज़कात में डील ही नहीं करते, हमारे हस्बैंड करते हैं। आपका जेवर है, क्लेम तो आप ही करते हो, हस्बैंड से चिकनी चुपड़ी बातें करके जेवर लेते वक्त तो बहुत होता है, प्लीज़ मुझे एनिवर्सरी है ये ले दीजिए, बर्थडे है ये ले दीजिए, लेकिन जब ज़कात का वक्त आता है तो वो भी हस्बैंड के ऊपर डाल देते हैं, भाई आपने ले दिया था आप इसकी ज़कात पे करें। ही इज़ नॉट अकाउंटेबल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे योर ज़कात। लेकिन अगर वो खुशी से पे करते हैं देन इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, वो पे करें ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं उस मुश्किल चीज़ पर जिसको कहते हैं एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट्स, जो सबसे मुश्किल काम है, जो मुझे हमेशा ये होता है कि मैं ये कैसे समझाऊंगी। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं हमारी, उसमें हम वो हमें एक्सेसिबल नहीं होती है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना, हम उसको ले नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। एक छोटी सी एग्जांपल पर्सनल मैं आपको देती हूँ, पर्सनल लाइफ में अगर आप जैसे है, आपने अपनी फ्रेंड को दिया $5,000 और आपने कहा कि आप लोग 5,000 तो कुछ भी नहीं है समझो, 50,000 दिया जो भी दिया आपने, कहा कि चलो ये $50,000 है। मैं छोटी एग्जांपल ले रही हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। आपने उसको एक अमाउंट दी कि भाई चलो एक ये घर बन रहे हैं, चलो हम दोनों मिलके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी बिजनेस में, किसी दुकान में, किसी कोई भी चीज़ थी, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, कपड़ों की आप लोगों ने एक एग्जिबिशन लगाई और आप लोगों ने किया, लेकिन ये तो मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सॉरी कपड़ों की एग्जिबिशन नहीं, इट्स लाइक सपोज टू बी समथिंग जिसमें रिस्ट्रिक्टेड हो, मैं भी कभी कभी रास्ते से हट जाती हूँ। तो ये इस वक्त मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ कि आपने किसी एक फ्रेंड को दिया कि ये मेरे पैसे हैं आप इन्वेस्ट कर दीजिए, घर खरीदते हैं, आपने जितने भी पैसे दिए, उसके बाद आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि अब देखें बीच में मुझसे 3 साल पहले तक मुझसे ये पैसे नहीं मांगना, एक दफ़ा मैं ये इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगी, फिर 3 साल तक ये ना हो कि तुम बीच में कहो कि मेरे पैसे दो। हमारा होता है ना भाई, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे अब मुझे वो चाहिए वापस, बीच में से कोई अचानक मांग लेगा, एंड दैट्स ट्रू, राइट, इट हैपेंस। तो अगर उसने आपको कह दिया कि मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे, $50,000 भी मिल जाएंगे और जितना इस पर प्रॉफिट बनेगा वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ यू हैव इन्वेस्टेड, द मनी इज विद योर फ्रेंड, अब क्या है आपको हर साल उस पैसों पे ज़कात देनी है, देनी है, क्योंकि वो पैसा आपका है, उसके पास है,
लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके रीजंस हैं, इसकी रीज़न ये है कि आपने वॉलेंटरिली अपनी मर्जी से आपने वो इन्वेस्ट किया था, यू वर नॉट फोर्स टू इन्वेस्ट। वो पैसा आपका अपना है, आप ना इन्वेस्ट करते आप ज़कात देते, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा नहीं मैं पैसे इसमें डाल दूँ मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको वो पैसे उस पैसों पे आपने ज़कात देनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपने खुद इन्वेस्ट किया है और आपको उस पर प्रॉफिट भी मिलने वाला है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपने जो $50,000 इन्वेस्ट किए थे एक फ्रेंड के पास वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, आप उसको नहीं ले सकते हैं, तो आप उस ज़कात की पेमेंट को डिफर कर सकते हैं, यानी आप उस ज़कात की पेमेंट को डिले कर सकते हैं। कब तक? उस वक्त तक जब तक आपको पैसे मिल ना जाए, जब तक आपको वो पैसे मिल ना जाए। रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी जितने पैसे हैं उस पर आपको ज़कात देना है, ठीक है ना, ओरिजिनल जितनी आपकी वैल्यू है वेल्थ की उस पर आपने देना है, लेकिन इस वक्त चूंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है, आपको अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप डिफर कर लें। लेकिन डिफर करने के लिए आप ये याद रखें कि इट इज़ नॉट सच अ गुड थिंग टू डू। आपको गुनाह नहीं मिलेगा क्योंकि आपने नियत कर लिया कि या अल्लाह जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मेरे कब्ज़े में आ जाएंगे मैं उसी वक्त इस पर ज़कात दे दूँगी। कोशिश ये करें कि आप पूरे पैसे इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने आप उस वक्त 50,000 इन्वेस्ट करें जब आपके पास 60,000 हो। डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी, ये मशवरा ये है, एडवाइस ये है कि आप इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी, कि आपने भाई पूरे के पूरे डाल दिया, अगर आपके पास $60,000 थे आप 50,000 इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि 10,000 जो आपके पास बचे हुए होंगे उसमें से आप अपनी ज़कात दे सकेंगे, तो ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, आप इस्लामिकली भी क्लियर होंगे। आपको गुनाह वैसे भी कहा कि अगर आपकी नियत अल्लाह को मालूम है, आपने नियत कर ली कि या अल्लाह मैं इसको डिफर कर रही हूँ, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं ज़कात दे दूँगी इस पर। एक और बात याद रखिएगा, इस बात को लिख के रखना है, मौत किस वक्त आएगी नहीं मालूम, इसको अपने वसीयत में डाल के रखना है कि दिस मनी आई ओ, क्योंकि आपको याद है हमने इससे पहले क्या किया था, विरासत के अहकाम हमने पूरे लॉज पढ़े थे, जिसमें यह है कि जो आपके ऊपर कर्जा है वो आपके ऊपर कर्जा है, आपका ज़कात ड्यू है, आप ज़िंदा हैं जब तक, तो उसका आप लिख के रख लें, नोट बना लें, ताकि आपके जो वारिस हैं, आपके जो एयर्स हैं, वो आपके पीछे से आपके मरने के बाद आपकी ज़कात पे कर दें, उस पर ज़कात आपका ड्यू है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने डिफ़र कर दिया तो उसका मैंने आपको बताया कि आप अल्लाह की तरफ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गुनाहगार नहीं होंगे। इसी तरह ये जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, इसी तरह जो 401k होता है यहाँ का, जो सब लोग कहते हैं हम, कोई भी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट होता है, IRA जिसको कहते हैं वो है, या कोई 401k है, उसमें क्या होता है कि हर इंसान को यहाँ पर एक, हर एक को नहीं लेकिन अक्सर लोगों को ये एक बेनिफिट है कि वो इन्वेस्ट कर सकें किसी भी स्टॉक्स में अपनी मर्जी से, और उसका जो टैक्स होगा वो डिफर्ड हो जाएगा। ये गवर्नमेंट अलाउ करती है, इस तरह 401k है या रिटायरमेंट अकाउंट्स है, IRAs हैं, US में कम से कम ये है, मुझे और कंट्रीज़ का नहीं पता। उसके ऊपर ये होता है कि आपका टैक्स जो है आपको नहीं देना पड़ता है उन स्टॉक्स के ऊपर जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ, वो आपको जिस वक्त वो पैसे मिलेंगे उस वक्त आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका टैक्स डिफर हो गए ठीक है ना। लेकिन उसके ऊपर ये कि अगर आपने पहले विड्रॉ किया, किसी में तो विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई अकाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लान एक है इस तरह का कि नहीं आपका कंपनी भी आपको कंट्रीब्यूट कर रही है, कुछ परसेंटेज आप दे रहे हैं, कुछ परसेंटेज आपकी कंपनी दे रही है, तो वो कहेंगे जब आप 55 ईयर्स के हो गए तो आप अर्ली विड्रॉ कर सकते हैं, या आप 60 या 62 या 65 जो भी एज है रिटायरमेंट, उससे पहले आपको ये मिलेंगे नहीं। इमरजेंसीज के लिए वो आपको दे देंगे कि अगर आपके कोई इमरजेंसी है तो फिर आपको विड्रॉ करने देंगे, और जब आप इमरजेंसी के लिए आप विड्रॉ करेंगे तो किसी में ये होता है कि देर इज़ पेनल्टी, किसी में होता है देर इज़ नो पेनल्टी। हर मुल्क का अपना दस्तूर है, हर कंपनी का अपना दस्तूर है, हम उसके एक एक के डिटेल्स में नहीं घुस सकते हैं, हर कंट्री का और हर ऑर्गेनाइजेशन का। ये आपका जो अपना प्रॉब्लम है जिस किस्म का भी है, वो आप खुद डायरेक्टली उसको देखें कि उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने विड्रॉ कर लिया, समझिए पैसा, अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं और उसमें आपको टैक्स फिर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, तो फिर ये है कि जब आपने जब वो विड्रॉ कर लिया और उस पर आपको पेनल्टी और टैक्स देना पड़ गया, तो फिर आप उस पूरे अमाउंट में से जितना आपको टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ी उसके बाद आप ज़कात दें।
लेकिन बेहतरीन ये है जो शेख मुस्तफ़ा जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, देर आर डिफरेंट ओपिनियंस, ये भी मैं बता दूँ, देर आर डिफरेंट ओपिनियंस. कुछ लोग तो कहते हैं कि वो आपके पास है ही नहीं, उस पर आप मत दें ज़कात. एक ओपिनियन ये भी है, बहुत सारे ईजी ओपिनियंस भी हैं, लेकिन यू वॉन्ट टू डू वॉट इज़ द सेफेस्ट. आपका पैसा इन्वेस्टेड है और आप उस पर नहीं दे रहे हैं, कल को आपको क्या होगा अल्लाह जानता है. तो इसीलिए सेफेस्ट ओपिनियन जो है, शेख मुस्तफ़ा कहते हैं कि जो आपकी पूरी एंटायर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इंटायर इन्वेस्टमेंट जिसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, उस पे आप अपनी ज़कात को असेस करेंगे, उस पे आप डिटरमिन करेंगे. अगेन वो ये कह रहे हैं कि वाई, बिकॉज ऑफ टू रीजंस. नंबर वन, आपने वॉलेंटरली उसमें इन्वेस्ट किया, आपको ज़रूरी नहीं था कि आप इन्वेस्ट करें, आपने वॉलेंटरली किया. नंबर वन, आपने अपनी मर्जी से किया. नंबर टू, लीगली यू आर द फुल ओनर ऑफ दैट वेल्थ, यू आर द ओनर. आपको जब मिलेगा, आप ही को मिलेगा ना, ओनर तो आप ही हैं. आपके ऊपर ठीक है, जब पेनल्टी लग जाएगा, अगर पेनल्टी लग गया और उसके ऊपर टैक्स लग गए, तो फिर आप उसमें से वो डिडक्ट कर लें. लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं इसको विड्रॉ करूँगी तो इस पर इतना टैक्स लगेगा, इस पर इतना पेनल्टी लगेगा. इन ल्यू ऑफ दैट या इन व्यू ऑफ दैट, आप उसको पहले से सोच के, फ्यूचर टैक्सेस और फ्यूचर पेनल्टी को सोच के आप उसके ऊपर नहीं काट सकते हैं उसमें से. जब एक्चुअली इनकर कर जाएगा तब आप उसमें से उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ज़कात देते वक्त. वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपका पैसा है. अगर हो सकता है कि आप पे टैक्स भी नहीं लगे, हो सकता है आप पे उस वक्त, डिपेंड करता है आपका कैसी इन्वेस्टमेंट है. तो इसीलिए ये बात आप याद रखें, ठीक है, कि उसमें से कभी कभी आपका ये भी हो सकता है कि 20-50% उसमें से आपका मार्केट वैल्यू से आपका डिडक्ट हो जाए. अगर आपको इसमें और डिटेल्स चाहिए तो आप शेख मुस्तफ़ा का आर्टिकल है कैल इस्लामिक, आपको मैंने भेजा था ना यास्मीन, हाँ, तो किसी को चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर दें, तो मैं आपको उनके आर्टिकल का लिंक भेज देती हूँ. अगर आप जाएंगे कैल इस्लामिक, कैलिफोर्निया इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें जहाँ आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल्स में जाएंगे तो उसमें 401k या रिटायरमेंट प्लान्स पे पूरा आर्टिकल है, इंशाल्लाह वो आप पढ़ लें. ओके, दूसरी बात यह है कि जब एक कंपनी मैच करी, मैंने आपको बता दिया इन गोइंग कि जब एक कंपनी आपकी मैच करती है रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन में, कि भाई आपने इतने परसेंट दिया, कंपनी इतने परसेंट देती है, तो उस वक्त तक ओनरशिप आपको नहीं मिलती है जब तक कि आप उतने साल के हो नहीं जाते हो. अगर आपकी ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो आप कंपनी में है किसी में, आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं समझें, और उसमें आप कहिए कि आपका ये पैसा खुद ब खुद कटेगा और गवर्नमेंट आपको मैच करेगा इतने पैसे से, उसमें नॉर्मली होता है कि आपको उस वक्त तक आपको वो नहीं मिलती है जब तक आप उस एज को नहीं पहुँच जाते. उसमें फिर ये कि चूंकि वो आपके पास नहीं है पैसा, तो उसके ऊपर फिर आप ज़कात उस वक्त देंगे जब वो पैसा आप ओन करेंगे. अभी आप ओन नहीं कर रहे हैं, यू हैव जस्ट गिवन इट, वो उस कंपनीज में है. अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया पर्सनल के मामले में कि पर्सनल आपने किसी को लोन दिया, अब ये कंपनीज का आ गया कि अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डिफर कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको डिफर करने के बदले आप पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें. इतने पैसे अपने पास रखें कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपकी ज़कात हर साल की इतनी बनती है, तो वो आप पे कर सकें. अपने पास पैसे रखें और फिर नेक्स्ट ईयर के भी, जैसे शेख मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि अगर आपने इस साल अगर आपने नहीं किया, अगर आप नहीं कर सकते हैं, विड्रॉ भी नहीं कर सक रहे हैं और आप ज़कात भी नहीं पे कर सकते हैं और आप उसको डिफर भी कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए ये सोचें कि आप उससे कम इन्वेस्ट करें. इट इज़ बेटर कि आप अपनी ज़कात ऑन टाइम पे करें, अल्लाह का जो लोन है वो अल्लाह का पहले अदा करें, हुकूक अल्लाह, और उसके बाद फिर आप अपने प्रॉफिट का सोचें. क्योंकि ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ये अपने दुनियावी प्रॉफिट के लिए है ना, इससे आखिरत का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना. 401k है या कहीं भी आप एप्पल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपका क्या है, वो आपकी दुनियावी है ना सिर्फ. तो पहले आखिरत का सोचें फिर दुनिया का सोचें. डेट्स एंड लोन्स, इसका भी ये है कि जो डेट्स जो लोन्स जो कि डिफर नहीं हुए हैं, जो कि करंटली आपके ऊपर ड्यू हैं, आपके ऊपर कोई लोन्स ड्यू हैं, मसलन के आपके मंथली कोई बिल्स हैं, आपका इंटरनेट का बिल है, सेलफोन का बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वाटर का बिल है, आपका रेंटल जो आपका बिल है, वो सारी चीज़ें आपके डेट्स कहलाती हैं, वो आपके ऊपर ड्यू हैं. उन चीज़ों को आप पहले उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने निसाब में से. जब आप निसाब देखेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है, जब तक आपके पास निसाब के पैसे नहीं होंगे ओवर द ईयर, तो आपके ऊपर तो ज़कात नहीं है ना, तो आप पहले ये
जो आपके डेट्स हैं या लोन्स हैं या जो बिल्स हैं, इनको आप पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब मसलन अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं, आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपको हर महीने आपको जितना भी देना है आप उस महीने का किराया डिडक्ट करेंगे। ये नहीं कि आप पिछले पूरे साल का, वो तो पहले ऑलरेडी डिडक्ट हो ही गया ना। अब आप इस महीने में, समझे आपकी ज़कात ड्यू थी आज, तो आज आप देखेंगे कि अभी मेरा ये ड्यू है, ये ड्यू है, ये ड्यू है, इस वक्त ड्यू है, उनको आप निकाल के फिर कैलकुलेट करेंगे अब मेरे पास निसाब के बराबर पैसे हैं कि नहीं है। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, कार का लोन हो गया, स्टूडेंट लोन हो गया, और कोई लोन हो गया, कोई इस्लामिक लोन्स हो गए, मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर कि आप घर खरीदें और घर को आप किसी हराम लोन से खरीदें, वो मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ। कोई भी लोन्स हैं आपके पास, लॉन्ग टर्म कोई भी डेट्स हैं, लोन्स हैं, उसको आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग योर ज़कात। सिर्फ करंट इंस्टॉलमेंट जो आपकी है, जो आप ड्यू एट प्रेजेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन आप पे करते ही जा रहे हैं ना, हर महीने आप पे कर रहे हैं, बट व्हेन इट्स टाइम फॉर ज़कात, तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं अगले साल का भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँ। फ्यूचर की चीज़ नहीं कर सकते, ओनली दैट करंट लोन। एग्जाम्पल इसकी ये है कि समझिए कि आपने किसी रिश्तेदार से, अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपनी फ्रेंड से, अपने किसी ससुराल से, सास से, ससुर से, आपने समझिए $200,000 लोन लिए थे घर खरीदने के लिए। आप उनको हर महीने $1,500 आप उनको पे कर रहे हैं, $200,000 में से $1,500। इसके अलावा 1,500 ये हो गए आपके करंट जो आपने उसको पेमेंट करनी है। इसके अलावा आपके जो बाकी बिल्स हैं, आपके जो सेलफोन या इंटरनेट या गैस वाटर, ये सब समझिए आपके $200 बन, ऐसे अंदाजे से कह रहे हैं $200 बन रहे हैं। तो आपका मंथली लोन और आपके पर्सनल बिल्स सब मिला के आप उसमें से आपके जो इस वक्त पैसे बन रहे हैं उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1,500 + 200, 1,700 आप निकाल के आप देखेंगे आपके पास कितने पैसे हैं, उस पर आप ज़कात देंगे। ठीक है, आ गई समझ? कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता दें। कभी कभी ऐसे लोन्स होते हैं, ऐसे डेट्स होते हैं जिसमें कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता है, डेट नहीं दी हुई होती है कि भाई आपने इस दिन मुझे वापस करना है। इट्स अ लोन और हर कोई कह रहा होता है ठीक है ये लोन है, ये मैंने जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, पर्सनल लोन्स अक्सर ऐसे होते हैं ना, ठीक है ना। तो अगर आपने वो लोन आपने पे करना है अभी, तो वो लोन आप पे कर दें, लेकिन अगर आपने उसको डिफर करना है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो लोन आपने अभी पे करना है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर कर्जा था तो मैं उसमें से इस महीने में ये पैसे दे रही हूँ, आप वो पैसे दे दें और फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। मतलब अगेन द ज़कात इज़ नॉट ऑन योर टोटल इनकम, द ज़कात इज़ ऑन वॉट यू सेव्ड, राइट? तो वो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपने किसी बंदे को लोन दिया था और उसके पास पैसा है कि वो, उसके पास एबिलिटी है, इतनी इस्तेतात है कि वो आपको वापस कर सकता है, तो आप उस पर ज़कात देंगे। पहले भी मैंने आपको एक ब्रीफली बता दिया, उसके ऊपर आपने ज़कात देना है, क्योंकि अब हम डेट्स और लोन्स के डिटेल में आएँ। अगर मैंने आपको लोन दिया और आपके पास है पैसा, आप वापस कर सकती हैं, लेकिन आप वैसे ही डिले करती जा रही हैं, तो फिर आपको फिर भी मुझे उस पर ज़कात देनी है, क्योंकि शी कैन गिव मी टुडे, शी कैन गिव मी टुमारो, ठीक है ना, और शी कैन गिव मी it is my money, I loaned it, yes. I gave it to you, so now you have the capability to return it, but you are not returning it, right. Because आप थोड़ा सा डिले कर रही हैं, चलो शायद आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, शायद आपका दिल नहीं चाह रहा हो, but you have the capability to return it, it will be called a good loan, you can return it, you have the money, you have the intention, so even if I don't possess it, it's with you, I still pay the zakat. I pay the, yeah, it's not your money. You have to return it. It's, you never pay the zakat for it. No, it was a loan. It was a loan for you. It's not your wealth. You consider, जब आप किसी से कर्जा लेते हैं आप सोच नहीं आपका पैसा हो नहीं गया, वरना तो आपकी नीयत ही खराब हो गई ना। लोन ले लिया और उसका अपना माल बना के बैठ गए। जिस मान को आप ओन करते हैं वही आपका माल है, जिसको आप ओन नहीं करते हैं वो आपका नहीं है। दैट इज अ लोन फ्रॉम, या आप नहीं देना चाह रहे हैं, लाइक टूडे और टुमारो। समझो समझो मैं अपनी ज़कात कैलकुलेट करती हूँ, फर्स्ट ऑफ आप जैसे आप समझो कि मैंने माफ कर दिया, नो देन इट समथिंग एल्स, देन इट समथिंग एल्स, बट वाई शुड आई इफ यू आर रिच एंड यू कैन पे मी बैक। सो आई एम गोइंग टू से द सेकेंड थिंग नाउ, इफ मैंने किसी को लोन किया है या आपने किसी को लोन किया है और उसके पास एबिलिटी नहीं है वापस करने की, इट्स नॉट ज़ीनत, इट्स नॉट समबडी रिच लाइक हर, इट्स समबडी हु कैन नॉट पे बैक टू यू। किसी गरीब को आपने लोन दिया, देन यू कैन से चलो वो गरीब था, मैंने उसे माफ कर दिया। तो वो गरीब नहीं है,
तो आप क्यों माफ करेंगे? नहीं चाह रहा है तो आप क्या करोगे? आप सब अपने दिमाग में बता रही हूँ, बता रही हूँ. आई एम जस्ट कमिंग टू दैट. लेट मी, वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट. ओके, सो अगर तो मैंने किसी को लोन दिया या आपने किसी को लोन दिया और वो अगर आपको वापस नहीं करने की इस्तेआत रखता है, नहीं देख रखता है, आप उसको माफ करें तो अलग बात है. तो वो लोन खत्म हो गई, ठीक है ना? वो आपका पैसा भी नहीं, उसका पैसा भी नहीं, इट्स गॉन. इट्स नोबडीज मनी नाउ, इट्स नॉट योर मनी, सो यू डोंट पे ज़कात ऑन इट. लेकिन अगर वो रिफ्यूज कर रहा है आपको वापस देने से, उसके पास है, वो नहीं देना चाह रहा है, वो गरीब भी नहीं अमीर भी, लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है, तो फिर आपको पता है इट्स बिकम अ डेड डेट. फिर उसके ऊपर आपने ज़कात नहीं देनी, बिकॉज आपको पता है वो नहीं वापस करेगा, उसकी नियत ही खोटी हो गई, उसने पैसा दबा लिया, तो फिर आप उसके ऊपर नहीं करेंगे. तो उसके ऊपर फिर, क्योंकि फिर वो आपको मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन अगर नहीं मिलने की उम्मीद थी, 5 साल गुजर गए, एंड सडनली हो चुका है हमारे साथ कई दफ़ा कि मिलने की उम्मीद नहीं होती है, सडनली कोई कहता है कि आपके पैसे, मेरी एक फ्रेंड के साथ तो सालों साल के बाद उसको किसी ने लाखों रुपए वापस दिए. तो इसीलिए अगर आपको किसी कोई ओ करता है, कुछ साल गुजर जाते हैं और आप कहते हैं अब तो ये वापस नहीं करें, स्टिल यू कीप ऑन होपिंग, यू पे द ज़कात. लोन आप कितना देंगे? लाख रुपए देंगे? लाख तो नहीं देंगे ना, तो कम ही देंगे. तो जितना आपने लोन दिया है उस पर आप ज़कात फिर भी देती रहें, जब तक कि आपको लगे कि अब ये वापस नहीं मिलने वाला है. फिर अगर आपको लोन वो वापस दे देते हैं तो फिर आपकी फिर ज़कात उस पर ड्यू हो जाती है, क्योंकि नाउ इट बिकेम अ डेड डेट. अब ये देखते हैं कि ज़कात पे कब करना है, वेन टू पे द ज़कात. उसके लिए यह है कि आप अपनी डेट्स को मार्क करके रखें, मार्क करके रखें कब आपके पास इतना पैसा हुआ कि आपके पास निसाब के बराबर पैसा आ गया. सपोज यू वर नॉट रिच, यू डिडंट हैव द मनी, अब आपके पास सडनली पैसा आया कहीं से, लॉटरी की नहीं कह रही हूँ आपके पास पैसा आया, जैसे वालदैन फौत हो गए, माँ बाप में से कोई फौत हो गया, आपको इनहेरिटेंस मनी मिल गई, अब आपको वो पैसा मिल गया, सडनली आपने देखा आपके पास तो पैसे ज़्यादा हो गए, अब तो आप ज़कात देने के, आपके पास निसाब हो गया. आप उस डेट को याद रख लें, उस डेट को नोट कर लें, बिकॉज वो दिन से लेके 354 डेज जब गुजरेंगे, एक लूनर ईयर जब उसके बाद पास होगा, इस्लामिक ईयर पास होगा, तो फिर आपको देखना है कि अब आपके पास वो पैसों में से कितना पैसा रहे. उन पैसों में से अगर आपके पास जितना पैसा बचा है खर्च करने के बाद, इफ इट इज स्टिल मोर देन द निसाब देन यू पे, इफ इट स्टिल एक्सीड्स द निसाब. अगर आपको मिला था $50,000 लेकिन उसमें से आपने खर्च कर दिया, गाड़ी भी खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, पैसे खर्च हो गए, अब जब आप देख रही हैं एक साल में कि वो पैसा मेरे पास इतना नहीं रहा, उस दिन आपके पास निसाब था लेकिन आपके पास हर महीने खर्च होता गया और अब आपके पास नहीं है, यू डोंट पे ज़कात, ज़कात इज़ नॉट ड्यू ऑन यू. तो जब तक वो आपके निसाब से ज़्यादा है जब तक आपको ज़कात देना है. नॉर्मली आपको फ़र्ज़ नहीं है कि आप रमज़ान में ही ज़कात पे करें, नॉर्मली लोग रमज़ान का महीना चूज़ करते हैं क्योंकि हर महीना कब स्टार्ट होता है याद नहीं रहता है. जैसे हम ऑड डेज में पे करते थे, फिर सडनली मुझे ख्याल आया व्हाई डोंट वी डू इट इन रमज़ान, इतना आसान रहता है, क्योंकि ये वन कैलेंडर ईयर नहीं है, ये वन लूनर ईयर है. तो अगर फर्स्ट ऑफ रमज़ान ईजी होता है कैलकुलेशन के लिए, तो आप वो डेट अपनी याद रख लें कि मैंने पहली रमज़ान को मैंने अपनी ज़कातें दे देनी है, ठीक है, पहली रमज़ान को आपने दे दी. सपोज़ कि पिछले दफ़ा आप और देर से देते थे, आप उसको यू कैन ब्रिंग इट अर्लियर, ठीक है ना. और आप, और दूसरी बात ये कि रमज़ान में जो भी चीज़ करते हैं उसका सवाब भी ज़्यादा मिलता है, तो वाई नॉट इन रमज़ान. तो आप रमज़ान को रख लें, और अगर आपकी ड्यू हो गई है ज़कात फर्स्ट ऑफ रमज़ान को, डोंट डिले इट टू द एंड ऑफ रमज़ान. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम कहते हैं कि हम रख लेते हैं पैसा, पूरे साल में लोग मांगते रहते हैं, तो हम फिर क्या देंगे किसी को? So we keep it with us for the entire year or for the next few months, you will be sinful. ये गुनाह का काम है. पैसे को जमा करके अपने पास रखना नहीं है, आपने उसको पे कर देना है. कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में किसी को पे कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट कमिंग टू दैट. पहले मैं ये बता दूं कि डिले नहीं करना है ज़कात. आज ड्यू है, आप आज सब अपना कैलकुलेट करें, निकालें, कर ले हिस्से और जब देना शुरू कर दें. अब कौन ज़कात रिसीव करने के लिए एलिजिबल है? ओनली मुस्लिम्स, नंबर वन आपको ये पता है, अनलेस कोई रीज़न है. ओनली, और रीज़न मैं आपको बताती हूँ. कुरान ने 8 कैटेगरीज बताए हैं. कौन सी कैटेगरीज हैं? उन्होंने 8 कैटेगरीज कुरान ने बताई हैं कि कौन, सूरह तौबा में है कि कौन कौन सी 8 कैटेगरीज हैं. नंबर वन, फ़ुकरा,
फुकरा कौन होता है, कौन फकीर होता है? पाकिस्तान की तरह जब कहते हैं ये फकीर है, ये भीख मांगने आए, वो फकीर नहीं है। वो फकीर है जो गरीब है, जो नीडी है, और जो दूसरों पे डिपेंड करता है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, जो खुद से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को पूरी नहीं कर सकता है। तो फुकरा उन सब के लिए है जिसका, अगर उसको कोई फिजिकल डिफेक्ट है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काम नहीं कर सकता है, कोई बहुत बूढ़ा है, कोई टेम्पररीली किसी के पास नौकरी नहीं है, तो वो सब उस कैटेगरी में आएंगे। कुछ लोग जब उनको पैसे दिया जाता है तो वो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाते हैं, मसलन कोई बेवा है, आप उसको एक लगा देंगे ज़कात, तो वो कोई ऑर्फन्स हैं, यतीम हैं उनके लिए, कोई अनएम्प्लॉयड है जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो ये सब फ़कीरों में आते हैं, फ़ुकरा में आते हैं, ये भीख मांगने वाले नहीं हैं, फ़ुकरा हैं, ज़रूरतमंद हैं। नंबर टू मसाकीन, कुरान में नंबर टू आते हैं मसाकीन। मसाकीन यानी मिस्कीन कौन होता है? इसमें अगर आप जाएंगे डिटेल में, अगर आप सिर्फ गूगल करके भी देखेंगे या आप किसी इस्लामिक वेबसाइट पे जाएंगे, डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से फुकरा को और मसाकीन को डिफाइन किया है। कुछ लोग कहते हैं फ़कीर मिस्कीन से ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, कुछ लोग कहते हैं मिस्कीन जो है फ़कीर से ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है। मतलब वो कहते हैं कि ये उससे ज़्यादा, कहते हैं ना कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो बहुत मुश्किल है इसको डिफ़ाइन करना। मैं एंड में आपको एक सेंटेंस बोल दूंगी जिसके आपको समझ आ जाएगी कि मिस्कीन वो है कि जो वो अपने एंड्स को मीट नहीं कर सकता, अपनी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके अपीयरेंस से हमें पता नहीं चलता है। वो किसी से फकीर, किसी से मांगेगा नहीं। और जो अभी सबिया कह रही है एग्जैक्टली वो एक इज़्ज़तदार बंदा होता है लेकिन वो ज़रूरतमंद होता है। उसको हम उर्दू में कहते हैं सफ़ेद पोश बंदा है। हमें देखना पड़ता है कि कौन मिस्कीन है कौन नहीं है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो दोनों के लिए एक ही कैटेगरी, शेख मुस्तफ़ा अपने लेक्चर में दोनों को एक ही कैटेगरी में डालते हैं, फ़ुकरा एंड मसाकीन। मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया कि कभी कभी हम कहते हैं कि कोई पूछता है कि भाई कुरान में तो 8 कैटेगरीज हैं, आपने 7 क्यों बताई हैं? 7 का मतलब है फ़ुकरा और मसाकीन एक में आ गए। ये वो लोग हैं जो अपने नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका घर, उनका फूड, उनका क्लोथिंग, 3 बेसिक नेसेसिटीज़ मैं गिन रही हूँ, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पहनने का, उनका हक है। इसलिए हमें ये ज़रूरत है कि हम उनको दें, उनको इतनी ज़कात देनी चाहिए कि उनके ये बेसिक नीड्स पूरे हो जाएँ। कभी कभी हम कहते हैं हमने उसको $10 दे दिया, कभी हम कहते हैं हमने उसको $5 दे दिया, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अगर आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं सही मानों में, तो आप उसको सही ज़कात इतना दें कि उसकी नीड्स पूरी हो जाएं। और ये प्रिफर्ड है कि आप उसको इतना दें, इस तरह से दे दें कि जिस तरह नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो जानने वाले करते हैं कि उनको काम के लिए कोई टूल्स दे दें, उनको कोई शेल्टर की जगह बनवा दें, उनके लिए कोई, अगर गाड़ी, कहते हैं इसको गाड़ी हम क्यों दें ज़कात से, अगर उसके पास एक गाड़ी, यहाँ के लोगों के लिए गाड़ी के बगैर आना जाना बहुत मुश्किल है। अगर एक औरत है और बेवा है और उसके पास गाड़ी नहीं है या उसकी गाड़ी टूट गई है या वो जंक हो गई है, आप उसको गाड़ी खरीद के दें ज़कात में से। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसके लिए लैम्बोर्गिनी खरीद के दें या आप उसके लिए टेस्ला खरीद के दें, आप उसको एक गाड़ी, यूज्ड गाड़ी, अच्छी गाड़ी खरीद के दें जिससे वो अपना गुजारा कर सके, जॉब कर सके, कुछ भी। किसी को आप एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं, वो आप दे दें, वो सब चीज़ें आप ज़कात की ज़िम्मे में कर सकते हैं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। किसी को मशीन खरीद दी, किसी को कुछ, पाकिस्तान में कहते हैं ना एक, उसको वो रेड़ा खरीद दिया किसी को, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी ज़कात की क्या है? आमिलीने अलैहा, कुरान में लिखा है आमिलीने अलैहा, उसका मतलब वो लोग हैं जो ज़कात कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपॉइंटेड होते हैं बाय द स्टेट, बाय द कंट्री और बाय द मुस्लिम अथॉरिटी। उनको इसलिए ज़कात है कि अगर वो अपना टाइम इसी में स्पेंड कर रहे हैं कि वो इधर से ज़कात कलेक्ट करें, इधर ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो और कोई नौकरी तो नहीं कर सकेंगे ना। अगर गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं दे रही है तो उसको ज़कात में से पैसे दिए जा सकते हैं, कुरान में है। नंबर 4 मुअल्लफतिल कुलूबुहुम, यानी वो लोग कि जिनके दिलों को नरम करना है, जिनके दिलों को सॉफ्ट करना है इस्लाम की तरफ। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? बेसिकली मेन 2 कैटेगरीज हैं, वो लोग जो मुसलमान हो गए, न्यू मुस्लिम्स कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन वो अभी फर्म नहीं है अपनी कमिटमेंट में। आप उनको पैसा दें, न्यू मुस्लिम्स को पैसा देंगे तो उनका दिल बड़ा होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो इस्लाम छोड़ के वापस नहीं जाएंगे। दूसरे इस किस्म के लोग हैं जो अभी मुसलमान रेडी हैं, मतलब देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि वो मुसलमान है नहीं ऑलरेडी,
मैंने आपको बताया वैसे सिर्फ मुसलमानों को दे सकते हैं, लेकिन एक कैटेगरी इसमें वो ऐड हो गई है कि जो लोग बिल्कुल तैयार हैं मुसलमान होने के लिए, अकीदे से वो लोग तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो डर रहे हैं कि अगर मैं मुसलमान हो गई, मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पेरेंट्स मुझे, कितनी लड़कियां हैं जो आजकल मेरे पेरेंट्स मुझे पैसा देना छोड़ देंगे, चर्च मुझे पैसा देना छोड़ देगी, लोग मुझे अबेंडन कर देंगे, मेरे अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस आ जाएंगी, मैं हिजाब पहन लूंगी तो मुझे पैसा नहीं देगा कोई, बहुत सारी, क्या पता मेरी जॉब चली जाए, उन लोगों के लिए कि जब वो मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इंक्लाइंड है, वो रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उनको अगर आप पैसा दे दें तो वो आप ज़कात में से दे सकते हैं। ये आजकल के हालात के मुताबिक है। पांचवी कैटेगरी क्या है? फिर रिकाब। फिर रिकाब का क्या मतलब है कि प्रिजनर ऑफ वॉर हैं या स्लेव्स हैं। अब तो स्लेव्स नहीं है ना हमारे पास, और ना हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, यानी गुलामों की आज़ादी करने के लिए या कैदियों की रिहाई के लिए, उनके लिए जो बॉन्डेज में हैं उनको रिहा करने के लिए, ये कैटेगरी आजकल एग्जिस्ट हार्डली करती है। कुछ लोग इसके लिए कहते हैं, जिस तरह पहले जब हमने कोर्स किया था तो मैंने आपको कहा था कि एक व्यू ये भी है कि आप अभी भी कोई कैदी हैं उनको रिहा कराने के लिए, लेकिन वो अभी तक रिसर्च जारी है, 100% ये नहीं कि हम अपनी ज़कात दे दें, और क्या पता, क्योंकि हम अगर लॉयर को दे रहे हैं, हम अगर किसी और को दे रहे हैं कि भाई इनको फ्री करने के लिए, पता नहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़कात ना लगे, ये उन कैटेगरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो देयर इज स्टिल मोर रिसर्च, इसमें ज़रूरत है, तो आप अपने पैसे अभी उसमें ना दें, आप सदका दे दें, खैरात दे दें। नंबर 6 कौन से हैं? गारिमीन। गारिमीन वो लोग होते हैं जो मकरूज होते हैं, जो कर्जदार होते हैं। अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से ज़रूरत के तहत उन्होंने कर्जा ले लिया और वो कर्जा वापस नहीं कर सक रहे हैं, तो आप अपनी ज़कात के पैसे से उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं कि चलिए आपका लोन चुक जाए ताकि आप अपनी ज़िंदगी आगे, अगर आपने उनका एक दफ़ा लोन चुका दिया तो नेक्स्ट मंथ से कम अज़ कम वो अपने जो भी पैसे कमा रहे हैं बजाय दूसरों को चुकाने के वो अपना खर्च तो कर सकते हैं ना। लेकिन जो बेकार वजह से, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर दे से फॉर स्टूपिड रीजंस, मुझे स्टूपिड कहना अच्छा नहीं लगा तो मैंने बेकार कर दिया, कि उनको पता है कि अगर वो ये पैसा ले लेंगे लोन, ये वापस नहीं कर सकेंगे, ये किसी फजूल चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो उनको आप अपनी ज़कात से ना दें, उनको ना दें, क्योंकि उन्होंने फिर आदत कर लेनी है, हर दफ़ा वो यही करेंगे, वो पैसा लेंगे, वो खर्च करेंगे, और फिर उसके बाद वो आपसे कहेंगे जी हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास कर्ज़ा है, आप हमें पैसे दें, तो ये उनकी आदत हो जाएगी। लेकिन उनकी नेसेसरी, जो लोग आपसे लोन वाले जो लोग हैं, गारिमीन जो हैं, उनकी भी नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए आप खर्च कर सकते हैं, यानी उनके घर के लिए, उनके फूड के लिए, किसी की शादी हो रही है तो उसको आप पैसे दे सकते हैं, फजूल खर्ची नहीं, शादी में सोच समझ के चंद चीज़ों के लिए आप दें, किसी की एजुकेशन के लिए, उनका किसी कर्जा चुकाने के लिए आप उनको दे दें। नंबर 7 फी सबीलिल्लाह, इसको भी यानी अल्लाह की राह में, इसको भी अक्सर लोग जो है उसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी तो अल्लाह की राह में, वो भी तो अल्लाह की राह में, नहीं, अल्लाह की राह में जो जिहाद करने वाले हैं, बेसिकली जो इस्लाम के नाम पर फ़ाइट कर रहे हैं, वो सोल्जर्स, वो आर्मीज जो अल्लाह की नाम पर फ़ाइट कर रहे हैं, किसी भी मुल्क में अभी अगर फ़ाइट चल रही है, जो हमारे हम देख रहे हैं कि इतने मुल्कों में अभी भी चल रही है, तो वहां पर उनके खाने के लिए, उनके लिए इक्विपमेंट के लिए, उनकी फैमिलीज के टेक केयर करने के लिए, अब सोल्जर्स कहीं बैठे हुए हैं, मुसलमान हैं, और उनके बेचारे फैमिलीज जो हैं उनके पास, जिनके पास खाने के लिए ही नहीं है, उनको आप ज़कात से दे सकते हैं। नंबर 8वीं आखिरी कैटेगरी है इब्नु सबील, यानी वो मुसाफिर जो किसी फॉरेन कंट्री में या फॉरेन लैंड में है, ज़रूरी नहीं कि कंट्री हो, किसी फॉरेन लैंड में भी है, अपने घर से दूर है और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, यानी ये ऐसा एक केस है कि वो खुद अपने घर में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, डजेंट मैटर, इंसिडेंटल पावर्टी है, इस वक्त उसके पावर्टी गुर्बत के हालात आ गए, क्यों आ गए, उसके पैसे किसी ने चोरी कर दिए, उसके पैसे गुम गए, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो जाएंगे और वेगस में जाके अपना पूरा पैसा लुटा देंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम गरीब हो गए, हमारे पास तो सारा पैसा खत्म हो गया, प्लीज हमें ज़कात दे दो, नो, दिस इज नॉट फॉर देम। आप देखेंगे कि हर जगह पे इस किस्म के लोग हैं, पैसे मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, उन लोगों के लिए यह है कि आप उनको इतना पैसे दें कि वो अपने घर तक वापस पहुंच जाए। आप देखेंगे कि हर जगह पे, इवन आप हरम में होंगे, मक्के में होंगे, तवाफ कर रहे होंगे, लोग आके आपको पकड़ लेंगे, मदीने में वहाँ कितना उन लोगों पे पाबंदी डालते हैं, लेकिन प्रोफेशनल बेगर्स हैं वहाँ पर जो आते हैं और वो मांगते हैं, पूरी पूरी टीम आती है और लोग उनसे पैसा कमाते हैं, वो प्रोफेशनल बेगर्स को नहीं देना, लेकिन जो वाकई जेन्युइन है, मुसाफिर है, चाहे वो अपने घर में अमीर है चाहे गरीब है, डजंट मैटर, उसको आप ज़कात के पैसे से हेल्प कर सकते हैं। ये और बात है कि वो अपने घर जाए और कहे मेरे पास पैसे हैं, मैं आपका पैसा वापस कर रही हूँ, फिर आप वो पैसा किसी और को दे दें, क्योंकि आपने तो ज़कात में वो खर्च किया, तो आप किसी और को दे दें। किस
वजह से आप ज़कात देंगे और आपका वो इनवैलिड हो जाएगा, ज़कात काउंट नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, किसी के पास ऑलरेडी निसाब है, निसाब के बराबर उसके पास पैसा है, चाहे वो बैंक में है, चाहे जेवर की सूरत में है, चाहे इन्वेस्टमेंट में है, चाहे कुछ भी, निसाब के अमाउंट के बराबर उसके पास किसी भी किस्म का वेल्थ है उनकी पर्सनल नीड्स के अलावा, आप उसको अगर अपनी ज़कात दे देंगे तो वो काउंट नहीं होगी पर्सनल नीड्स के अलावा, ठीक है ना। पर इफ यू डोंट नो तो वो मैं आती हूँ उस पर। फॉर नंबर टू है टू अनदर कॉज, यानी अगर कोई गरीब है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत गरीब इंसान है और वो उसके पास खाने को भी नहीं है, ठीक है ना, वो खाने को भी नहीं है उसके पास, लेकिन आप उसको कह रहे नहीं मैंने तो तुम्हारे बच्चे को पढ़ाना है और मैंने तुम्हारे बच्चे को स्कूल में डालना है और मैं उसकी फीस पे कर दूंगी, खाना नहीं मिल रहा है उसको, लेकिन आपने उसको इंसिस्ट करना है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ाऊंगी, दिस इज नॉट, इट शुड बिकम देयर प्रॉपर्टी, इन द सेंस कि उसको जब आप दे रहे हैं उसको ओनर्स बन जाना चाहिए, जब जिसको आप ज़कात दे रहे हो इट दे शुड बिकम द ओनर ऑफ द वेल्थ, दे शुड बी एबल टू स्पेंड इट द वे दे लाइक। अगर उसका दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त, फिर हम कंडीशंस भी लगा देते हैं ना, हम ज़कात देते हैं फिर हम इतनी कंडीशंस लगा, देखना अब ये नहीं करना और वो नहीं करना, हम उनको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, आप प्यार से उनको दें, आप कहें देखो मैंने तुम्हारे लिए ये ज़कात इसलिए ली है तुम इससे ये चीज़ें कर सको, उम्मीद है कि तुम इससे कर सकोगे, उसको सुनाना नहीं। अगर आपने सुना दिया उसको कि तुमको ज़कात देते हैं और तुम इसमें कर देते हो उसमें, आपका तो अपना ही वो सारा फेवर ही ख़त्म हो गया, फेवर तो नहीं है लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन को आपने ख़राब कर दिया। तो डायरेक्टली आप उस पुअर को दें, अगर आप पुअर को दे रहे हैं डायरेक्टली, किसी गरीब को, किसी फ़कीर को, किसी मिस्कीन को आप दे रहे हैं, तो आप उनको उनका पैसा दें, आप कहें देखें मैंने तुम्हें इसके लिए दिया है, उम्मीद है कि तुम इस पर खर्च करोगी, लेकिन आप उसको डिक्टेट ना करें, उसको आप कंडीशंस ना लगाएं। फॉर एग्जांपल एक और भी चीज़ है, आप कह रहे हैं नहीं मैं यहाँ पर एक स्कूल बना रही हूँ, मैं तुम्हें ज़कात के पैसे नहीं दूंगी, मैं यहाँ पर स्कूल बना रही हूँ गरीबों के लिए, तुम अपने बच्चे को स्कूल में डालो, या मैं एक मस्जिद बना रही हूँ, मस्जिद बनाना बहुत बड़ी बात है, आप मस्जिद के लिए ज़कात नहीं दे सकते, आप किसी भी मस्जिद के लिए या पब्लिक वर्क के लिए, स्कूल बनाने के लिए भी, इस्लामिक स्कूल के लिए भी आप ज़कात नहीं यूज़ कर सकते, फॉर द बिल्डिंग, फॉर द पब्लिक वर्क्स, किसी रोड के लिए, किसी ब्रिज के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी आप किसी मदरसे के लिए, बिल्डिंग के लिए आप नहीं दे सकते ज़कात, ज़कात फंड नो, ऑर्फनेज के लिए भी, नॉट फॉर द बिल्डिंग, इट हैज़ टू गो टू द पर्सन, द डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास जाना चाहिए, नहीं आप ऑर्फनेज के लिए भी, आप बिल्डिंग के लिए नहीं दे सकते, जब एक दफा बन जाए बिल्डिंग उस बंदे को तो नहीं मिल रहा है ना, कौन उसमें बेनिफिशियरी होगा आपको क्या पता, सो इसलिए उसके लिए नहीं, आप उसके लिए खैरात दें, सब कुछ दें, बनाए, और अगर आपको किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए देना है, आपको देना है, तो अगर वो राजी होता है कि हाँ भाई ठीक है मेरे बच्चे के स्कूल के पैसे नहीं, आप इसकी फीस दे दें, तो आप डायरेक्ट स्कूल को भी उसकी फीस दे सकते हैं। अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है, हॉस्पिटल नहीं लेकिन आपको दवाई की ज़रूरत है, तो आप, या किसी को कीमो की ज़रूरत है, पाकिस्तान में ऐसे भी है, तो आप ऐसा करें कि आप उससे पूछें भाई तुम्हारे कीमो की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, मैं ये अस्पताल में दे दूँ, तो वो ठीक है। इसी तरह किसी की कफन और दफन के लिए आप ज़कात नहीं दे सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के कफन दफन के लिए, क्योंकि जिस बंदे के लिए आप ज़कात दे रहे हैं वो तो उससे बेनिफिट नहीं करेगा, वो तो उसको पजेस भी नहीं करेगा, वो तो ऑलरेडी डेड है, तो उसको आप नहीं दे सकते। नहीं, नो नो ज़कात फॉर नो बैरियल, हाँ पर्सनल यूज़ के लिए। नॉन मुस्लिम्स को आप ज़कात नहीं दे सकते अनलेस को वो एक कैटेगरी मैंने बताया था, हु इज़ रेडी टू बिकम अ मुस्लिम, आप उनको खैरात दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं, हमारे मुल्क में कुछ ये है कि हम सदका नहीं सदका दे सकते हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अच्छा, ऐसी चीज़ में आप ज़कात नहीं दे सकते, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, जहाँ से आपको कोई फ़ायदा वापस मिल रहा है, कोई भी फ़ायदा किसी भी किस्म का वापस मिल रहा है। इसमें एक दो एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, टाइम कम रह गया। आपके डिपेंडेंट्स हैं, मसलन अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। इवन अपने स्पाउस का मैं आपको बताती हूँ किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। रीज़न क्या है कि आपने जिसको दिया आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपने तो वैसे भी उनका करना ही था, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ के आप कहते चलो मैं ज़कात से इनका कर लूँ, माँ बाप का कर लूँ। मुझसे पूछते हैं लोग, हमारे माँ बाप इजिप्ट में रहते हैं, हमारे माँ बाप सीरिया में रहते हैं, क्या हम उनको ज़कात के पैसों से उनके घर का किराया हम दे दें? नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप चाहे औरत हैं चाहे आप मर्द हैं,
आपकी जिम्मेदारी वालदैन के लिए है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपका मुश्किल से गुजारा हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आपका मुश्किल से गुजारा नहीं, यू हैव मनी, एक्सेस मनी, गिव इट टू देम। जब आप उनको सदका खैरात, जो आप अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, वो आपके खर्च में आएगा। जब आपके खर्च में आएगा तो अगर आपके ऊपर जितने पैसे थे आपने वो दे दिए, तो आपके ऊपर ज़कात दियो ही नहीं होगा। ये सिंपल सी थिंग है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपका, आपके पास हर महीने $20,000 है, आपका खर्चा $15,000 है, आपका 5,000 बच रहा है, साल का आपका इतना बचता है, वो 5,000 में से अगर आप 2,000 वालदेन को दे रहे हैं, या 4,000 या 5,000 वालदेन को दे, एंड में आपके पास पैसा ही नहीं होगा जिससे आप ज़कात दें। थोड़ी सेविंग्स आप रख लें अपने, लेकिन आपको ज़कात देने की फिर ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर ज़कात देनी है, जितना आप वालदेन को, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के बाद बचेगा, उसी पर आपकी ज़कात होगी ना। अच्छा, इस पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अबाउट और हस्बैंड वाइफ को दे, नहीं दे सकता है। एक हस्बैंड वाइफ को ज़कात, क्योंकि हस्बैंड की जिम्मेदारी है अपनी बीवी का खर्चा उठाना, लेकिन वाइफ अपने हस्बैंड को ज़कात दे सकती है कि नहीं दे सकती है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर वाइफ अमीर है तो अपने गरीब हस्बैंड को दे सकती है ज़कात। अगर आप गौर से सोचें उसमें तो आप नहीं, आई नो दैट्स द पॉइंट, कि वो खुद अगर यूज़ करती, लेकिन द पॉइंट इज अगेन वाई द स्कॉलर्स से, ये स्कॉलर्स भी बेचारे ऐसे तो नहीं है ना, ये तो सोच समझ के बोलते हैं कि इसलिए वो कहते हैं दे सकते हैं कि समझिए कि किसी का हस्बैंड गरीब है और वो बीवी अमीर है, कमा रही है, सब कर रही है, वो अगर अपने हस्बैंड को, तो वो हस्बैंड की अपनी मर्जी का, वो अपने माँ बाप को दे दे, बहन भाई को सपोर्ट कुछ भी कर ले ना, अपनी कोई बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, सो दैट मीन्स अलाउड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इमाम अबू हनीफा, द हनफी स्कूल जो है, वो ये कहता है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को ज़कात नहीं दे सकती। आई फॉलो दिस, एंड आपकी मर्जी है कि दो ओपिनियंस हैं, लेकिन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द सेफेस्ट ओपिनियन। आप अगर अपने हस्बैंड को ज़कात देते हैं, और अगर आपने देना ही है, तो आप सदका खैरात दें। क्या आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपका खाना पीना है, आप अपने आप को अपनी ज़कात से खिलाना चाह रहे हैं क्या? मुझे ये बात नहीं पसंद। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपने हस्बैंड को सदका खैरात आपके, हाँ ठीक है, आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली, तो मैं अपने घर का स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए मैं दे रही हूँ। नंबर सिक्स कैटेगरी क्या है? अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को आपने वेजेस देने या सैलरीज देने, जो भी देने, आप उनसे बेनिफिट कर रहे हैं, आपने उनको कॉम्पेंसेट करना है, तो आप उनको ज़कात नहीं देंगे। ज़कात उसके अलावा आपने देना है तो देना है, लेकिन वो नहीं देंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को आप अगर ज़कात दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपको कोई बेनिफिट दे रही है, मसलन आप किसी को दे रहे हैं और वो आपका, आपको बास्केट दे रही है एक, कि भाई ये आपका एक गिफ्ट है कि हमने आपको, आपने हमें इस्लामिक रिलीफ को, आपने, वो कहते हैं वी गिव यू दिस, वी गिव यू दैट, चलें आप, या वो आपके लिए एडवर्टीजमेंट कर रही है, आपके लिए बैनर लगा रही है, अपने वेबसाइट पे आपका नाम डाल रही है, तो नहीं, आप उससे बेनिफिट ना लें। द ओनली बेनिफिट जो आपको मिल सकता है, आप जिस कंट्री में रहते हैं, जैसे हम US में रहते हैं, US में अगर हम चैरिटी दें, किसी को दें, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ज़कात, खैरात, जो भी देंगे, हम जिसको भी देंगे, यहाँ पर एक टैक्स बेनिफिट हमको मिल जाती है। तो वो स्कॉलर्स कहते हैं कि वो आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट, क्योंकि आपका इंटेंशन ये नहीं था कि आप टैक्स बेनिफिट लें, आपका इंटेंशन ये था कि आप ज़कात दें। अगर वो आपको टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपको और टैक्स के पैसे बचते हैं, आप वो भी ज़कात में दे दें। नंबर 9 वो है, वो इंसान जो कि काम कर सकता है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लेज़ी होके बैठा हुआ है कि मैं क्यों नौकरी करूं, मैं क्यों कमाऊं, मुझे तो ज़कात के पैसे मिल सकते हैं, उसको भी आप ज़कात ना दें। ऐसे इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी ये है कि जिसको अगर आप देंगे, लोग जो कहते हैं ना, आजकल गांधी साहब आए हुए थे, पता है ना, जावेद गांधी आए हुए थे, उन्होंने सबको ये कह दिया कि भाई अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो उसमें आपकी ज़कात काउंट हो गई। ये बिल्कुल दैट इज़ व्हाट ही सेड। तो मुझे बड़े लोग पूछते हैं, कि भाई आपने जब अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, पाकिस्तान से भी लोग पूछ रहे हैं, उन्होंने गांधी साहब का सुना और उन्होंने कहा कि अब हमको इसमें से, हम अपना टैक्स को डिडक्ट कर लें तो हमारी ज़कात नहीं दे। टैक्स की जो चीज़ें हैं, जो रेसिपियंट है, वो अलग है, जो ज़कात के रेसिपियंट्स हैं वो टैक्स के रेसिपियंट्स नहीं हैं। इसमें गवर्नमेंट नहीं है हमें कि हम गवर्नमेंट को दें, कहीं भी आपने देखा 8 कैटेगरीज में कि हम गवर्नमेंट को पैसे दे दें? नहीं, एंड वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इसमें ये है कि लास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन और रूल्स हैं और प्रायोरिटीज़ हैं, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करना चाहती हूँ। सिबलिंग्स को हाँ, सिबलिंग्स को दे सकते हैं,
डिपेंड्स, वो अभी उसमें ना कि भाई है बहन अगर कितना है कितना नहीं है वो सब फिर डिटेल में पता होना चाहिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स इसके क्या है, सबसे पहले ये है कि जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग पीपल है, मुस्तहकीन जिसका हमने अभी डिस्कस किया, उनको देना है और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए. लेकिन अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी अगर इर्द गिर्द है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है. ये नहीं कि अपना सारा पैसा उठा के कहीं और भेज दें और यहाँ के लोग. तो इट इज़ रिकमेंडेड कि सबसे पहले अगर आपके ज़रूरी कोई मुस्तहकीन है जो आपके रिश्तेदार हैं, करीब के रिश्तेदार हैं और वो कहीं और रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं कहीं और रहते हैं, आप उनको रिकमेंडेड है कि आप उनको दे दें, चाहे वो दूर रहते हैं चाहे करीब रहते हैं. नीडी हैं, रिलेटिव्स हैं, निसाब उनके पास नहीं है, मुस्तहकीन है, तो आप उनको दें. नंबर टू उसके बाद ये कि लोकली अपनी ज़कात को, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है. यहाँ पर हम समझते हैं कि अमेरिका यहाँ ज़रूरत है, बहुत लोग शेल्टरलेस हैं, होमलेस हैं, मुसलमान कैसी कैसी हालत में रह रहे हैं. यहाँ जैसे अपलिफ्ट चैरिटी है या अपनी हमारी मस्जिद, जैसे हम IIOC को अपनी दे देते हैं ज़कात, तो उससे क्या होता है कि वो यहीं पर वो लोग देख के ढूंढ के जो बहुत डिजर्विंग है उनको दे देते हैं. अगर कोई बहुत अर्जेंट नीड और कहीं पर है तो आप उसको दे सकते हैं, वरना यहीं पर दें. किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, इस्लामिक रिलीफ वगैरह है, अपलिफ्ट चैरिटी वगैरह है, या आप खुद दे सकते हैं, या आप किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपका है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसको आप कह सकते हैं कि आपकी ज़कात दे दें. अब सबसे बड़ी बात यह कि कंडीशन क्या है कि आप जिस वक्त ज़कात के पैसे दे रहे हैं आपकी नीयत, ज़ोर से बोलने की नहीं है लेकिन दिल में आपकी नीयत होनी चाहिए कि ये ज़कात के पैसे हैं. अगर आपने दिल में नीयत कर ली तो वो आपकी ज़कात है, अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको नीयत तोड़नी पड़ गई, जैसे रोज़े का था. ज़कात आप एडवांस में दे सकते हैं, यानी अभी अपना रमज़ान का फर्स्ट आपका था लेकिन आपने कहा चलो मैं शाबान में या रजब में दे दूं, आप दे सकते हैं. कहीं पर ज़रूरत पड़ गई, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, मुस्तहकीन हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, आप दे सकते हैं. लेकिन इंटेंशन उसी वक्त आपने कर लेनी है, नीयत उसी वक्त कर लेनी है कि ये मेरी ज़कात मैं एडवांस में दे रही हूँ फॉर जो फर्स्ट ऑफ रमज़ान को मुझ पर ड्यू होगा. उस ज़कात की नीयत आपने पहले करनी है. लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है किसी को, ज़कात की नीयत नहीं थी, कर्ज़े की नीयत थी या आपकी सदका खैरात की नीयत थी, उसको आप बैक डेट नहीं कर सकते. बैक डेट में नहीं जा सकते कि मैंने आपको कर्ज़ा दिया था $2,000, अब ऐसे करें चले कोई बात नहीं, अब मैं उसको ज़कात में गिन लेती हूँ, नहीं, यू कांट डू दैट. अच्छा, अनलेस ऐसा कुछ हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई कि भाई आपको, भाई डोंट इवन गेट इन टू दैट, ठीक है ना. अब ये ज़रूरी नहीं है, हर बंदा मुझसे ये पूछता है कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं क्या उसको बोलना ज़रूरी है कि हम तुम्हें ज़कात के पैसों में से दे रहे हैं. भाई अनलेस कि वो खुद पूछ रहा है आपको कहीं ज़कात के पैसे तो नहीं है, मैं ज़कात नहीं लेती हूँ, तो फिर आपने ना दें, उसे ना दें आप ज़कात के पैसे. लेकिन अगर वो पूछ नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आपके बस ये पैसे हैं. एक जिन सोसाइटीज़ में लोग शर्म महसूस करते हैं ज़कात लेते हुए, उनको मत स्पेसिफाई करें, मत बोले कि भाई मैं तुम्हें ज़कात के पैसों में से दे रही हूँ, उसका दिल टूटेगा, उसको मत बोले. बाद में अगर आपको किसी को आपने ज़कात दे दी और बाद में आपको पता चला कि उसके पास निसाब था, ये भी जीनत पूछ रही थी, बट जीनत हैज लेफ्ट, कि अगर उसके पास निसाब था, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि इसके पास निसाब के बराबर पैसा है कि नहीं है. आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, आप इर्द गिर्द से भी, लोगों से भी पूछ सकते हैं कुछ बातों बातों में. ज़कात अगर आप पैसों से देना चाहें तो पैसों से देना है, नंबर वन तरीका ये है. लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप दवाइयों से देना चाहें या आप गिफ्ट सर्टिफिकेट भी देना चाहें किसी को, तो आप दे सकते हैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो. अगर आपको लगता है कि ऐसा बंदा है जिसको मैं पैसे दे दूँगी तो वो खर्च कर देगा, वो अभी खर्च कर देगा और वो पूरे साल नहीं चलाएगा, या जो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करेगा, गलत चीज़ों में डाल देगा, उसको आप इस तरह कर सकते हैं. जैसे आप कहें कि ठीक है मैं तुम्हारे घर का किराया दे रही हूँ, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना. अगर इतना ज़रूरतमंद कोई है तो आप वो कर सकते हैं. किसी को आप कह सकते हैं मैं तुम्हारी दवाइयों का खर्चा उठा रही हूँ. इसमें भी बहुत याद रखें, अगर आप एक फार्मेसी, आपकी अपनी फार्मेसी है, इट इज़ योर ओन फार्मेसी, आपको उस फार्मेसी में से जितने भी मेडिसिन आप बेचते हैं आपको प्रॉफिट आ रही है ना उसमें से, अगर आप उसको ज़कात देते वक्त अपने स्टोर में से परचेज करके आप दे रहे हैं फ्रॉम योर ओन स्टोर और आप उस पर प्रॉफिट भी बना रहे हैं, तो वो गलत है, दैट इज़ नॉट लीगल. आप उसमें से, उस ज़कात के ट्रांजैक्शन में से आप बेनिफिट नहीं कर सकते. अगर आप कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं तो इट्स ओके. तो इंस्टॉलमेंट पे भी हो गया, अपने में से भी हो गया, आई थिंक सब चीज़ें मैंने कर दी हैं. फाइनल, हाउ टू कैलकुलेट योर ज़कात. सबसे पहले आपने देखना है कि मेरी ज़कात की साइकिल किस दिन स्टार्ट हुई है,
जिस दिन मेरे पास मिनिमम, जैसे मैंने बताया, निसाब था, उससे लेके मुझे उस वक्त तक अभी एक साल हो रहा है, तो जिस दिन एक साल पूरा होता है, लूनर ईयर इस्लामिक कैलेंडर से पूरा होता है, उस दिन तक आपने देखना है कि उस दिन मेरे पास कितने पैसे थे और अब कितने पैसे हैं। आप तमाम एसेट्स को ऐड करेंगे, जो आपके पास कैश था, जो आपके पास बैंक में बैलेंस है, जो अकाउंट्स हैं, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेस के, जो आपके पास वैल्यू ऑफ योर मर्चेंडाइज है, जो आपकी बेचने की चीज़ें हैं, जो आपकी ज्वेलरी है, जो आपके रिसीवेबल्स हैं, यानी जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, आपको चाहिए तो मैं ये एक फॉर्म आपको इंशाल्लाह मेल कर दूंगी। इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको, आप जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट एंड आई कैन। ये फॉर्म वैसे हर एक भेजता है, इस्लामिक रिलीफ वाले, हिदाया वाले, एक्सेस वाले, हर कोई ये फॉर्म भेजता है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा फॉर्म जो हमारा है CIU का, वो मैं आपको भेज दूंगी। इन सब एसेट्स को आप ऐड करेंगे, उसमें से तमाम लायबिलिटीज़ को, डेट्स को, लोन्स को, इंस्टॉलमेंट्स को, बिल्स को, सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल अमाउंट जो है आपके पास, जो आपके एसेट्स हैं, उसमें से आप टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं, डेट्स, लोन्स, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि अब जो मेरे पास पैसा बचा वो निसाब से कम है या ज़्यादा है। अगर वो निसाब से ज़्यादा है तो फिर आप उस पर 2.5% ऑफ दैट टोटल आपकी ज़कात होगी। ठीक है, हम एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पर आज नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं रहा हमारे पास। अगर कोई सवाल है वो कर लें। एक सवाल मुझे किसी ने भेजा है पिछले वर्कशॉप का, वो इम्पॉर्टेंट है, रमदान के बारे में। आपको याद है रमदान के बारे में मैंने आपको कहा था कि एक ओपिनियन ये है कि आप पार्ट ऑफ द डे का रोज़ा रखें, पार्ट ऑफ द डे का रोज़ा रखें। उसमें दो चीज़ें बताई थी मैंने। एक ये बताया था कि अगर आप सफ़र पे रवाना हो रहे हैं या आपको पता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो फिर भी आप सुबह से रोज़ा रख लें, क्या पता सफ़र कैंसिल हो जाए, क्या पता सफ़र कैंसिल हो जाए और आपका रोज़ा पूरा हो जाए। दूसरा, ये दिस इज़ लाइक प्रिफर्ड। दूसरी चीज़ ये है एक, और अगर आपको पीरियड्स ना आए तो आपका रोज़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन सेकेंड पार्ट जो इसका था कि अगर सुबह से आप सफ़र पे थे और आप घर वापस आ गए, अभी 3-4 घंटे बाकी हैं, तो आप उस वक्त उस रोज़ा रख लें, उसके मुतालिक मुझे सवाल आया है। और सवाल के जवाब में यह है कि दिस इज़ ऑल्सो वन ओपिनियन। जो मेजॉरिटी ओपिनियन है शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, उसमें ये नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ा इज़ कम्प्लीट रोज़ा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फजर, इट एंड्स एट मगरिब। ठीक है ना, तो वो ओपिनियन नहीं है। मैं उस वक्त शायद बताना भूल गई क्योंकि जिसने सवाल पूछा था वो हनफी नहीं है, वो अहले हदीस है, तो इसीलिए मैंने उनको जवाब दे दिया है रिटर्न। लेकिन आप लोगों के लिए भी ये क्लियर करा रही हूँ कि दिस इज़ अ हनफी ओपिनियन, दिस इज़ अ हनफी ओपिनियन। इतना मैं भी इस ओपिनियन पे नहीं जाती हूँ खुद भी, क्योंकि मेरी ओपिनियन यही है कि जब मैंने सुबह से रोज़ा नहीं रखा तो पूरे दिन का रोज़ा है, उस रोज़े को आपने मेकअप भी करना है, तो आपके ऊपर हार्डशिप हो जाएगा कि आप वापस आओ कहीं से, सफ़र से आओ, और फिर उसके बाद, और हमारे पास बहुत सारे दलाइल मिलते हैं बाकी उलमा के जिन्होंने बताया कि वो रोज़ा आपके ऊपर रखना ज़रूरी नहीं है, और प्रिफर्ड में आया था वैसे भी, तो वो रोज़ा आप ना रखें तो ठीक है। लेकिन चूंकि ये सवाल आया है, मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि वो एक हनफी ओपिनियन है और मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं है। और कोई सवाल है अबाउट ज़कात या और कहीं का भी, क्योंकि हमारी आज लास्ट क्लास है बिफोर रमदान। इंशाल्लाह कब मिलेंगे नहीं मालूम। रमदान में आपको बताना चाह रही थी, एक क्लास हम रख रहे हैं संडेज़ को, होगी 1:30 से 3:30 बजे तक। विदाउट ग्रामर हम कोशिश करेंगे कुरानिक अरबिक समझाने के लिए, विदाउट ग्रामर कुरान से जोड़ने के लिए एक अरबिक का कोर्स कर रहे हैं। तो या अतिया उनका बता जी, इधर ही होगा, इधर होगा, संडे को 1:30 से 3:30 तक। अतिया, अतिया प्लीज वहाँ से वो जरा लाते हैं, फ्रिज में वो रखा हुआ है जी। चलें, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।